तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जवान फिल्म के बारे में, जो एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी भाषा के साथ मूवी आई थी। और यह मूवी 2023 में भारतीय हिंदी सिनेमा पर रिलीज किया गया था, जिसमें एटिलाज द्वारा हिंदी भाषा और पहली फिल्म के साथ में सीन द्वारा लिखित और निर्देशित किया। और यह रिलीज इंटरटेनमेंट के तहत गौरी खन्ना और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित कर दिया गया, जिसमें शाहरुख खान पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में देखे गए और समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति और प्रियमणि और अनन्या मल्होत्रा सहायक भूमिका में देखे गए। निर्देशन एटिली और इसका पाठकथा का लेखक भी एस रामगिरी निवास और संपादक सुमित अरोड़ा है। वहीं पर कहानी एटली द्वारा दिया गया और इनका उत्पादन गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा देखी गई। अभिनेता शाहरुख खान और नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, छायाकांत जी के विष्णु और संपादित रूबेन द्वारा देखी गई। संगीत को अनिरुद्धम रविचंद्र द्वारा दिया गया और इसका मूवी उत्पादन कंपनी रेड रिलीज इंटरटेनमेंट रही थी, जहाँ से इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया था और इनके सहयोग के बारे में जारी करके प्रकाशित भी कर दिया गया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए, जहां पर इनकी श्रृंखला देखी गई। वहीं पर मूवी को 7 सितंबर 2023 में रिलीज कर दिया गया और मूवी की रन टाइम 169 मिनट थी। मूवी भारत में हिंदी भाषा के साथ लॉन्च किया गया था और मूवी की लागत बजट करीब 370 करोड़ थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 11.48.72 करोड़ का कलेक्शन करके मुख्य फोटोग्राफी की शुरुआत 2021 के पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान, औरंगाबाद फिल्मांकन के साथ हुई थी। फिल्म साउथ बैलग्राउंड स्कोर अरु अनिल रुद्रन और रविचंद्र द्वारा तैयार किया गया, जहां पर सिनेमेटोग्राफी विष्णु के साथ देखी गई थी और इन्होंने इन दृश्यों के साथ फिर से शूट किया गया, जहां पर विशेष रूप के गाने को जिंदाबाद तमिल में वधा एंडर्सन में खान की उपस्थिति के लिए सेतुपति के हिस्से और योगी बाबू के दृश्यों के साथ देखी गई। जवान को पहले 2 जून 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पोस्टर प्रोडक्शन का काम अधूरा होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, जो इसे 7 सितंबर 2023 को मानक आईमैक्स 4D एंड अन्य प्रीमियम प्रारूपों को जन्माष्टमी के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। और जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके अलावा के प्रदर्शन, पटकथा, लेखकों को एक्शन दृश्यों के साथ संगीत स्कोर पर प्रशंसा की। फिल्म द्वारा जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया गया था, वहीं से इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दिया था। और इस मूवी की योजना के साथ देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने रिपोर्टों के जरिए लाई गई भूमिकाओं के साथ देखे गए थे, जहां पर इन श्रृंखलाओं को हिंदी फिल्म और पांचवी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी, जहां पर 69वें फिल्मेयर पुरस्कार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशन सहित 14 नामांकन प्राप्त किया। आज़ाद के साथ लाई गई, जहां पर मुंबई की महिला जेल का जेलर और 6 कैदियों को लक्ष्मी, इराद, इस्तिकार और काबिल हेलना और जानवी ये समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन पर हाईजैक कर लेता है, जो यात्रियों को बंधक बना लेता है। और आज़ाद बताने के लिए कैसे काल्पे के किसान पिता के ने दर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। आज़ाद ने कृषि मंत्री के बंधकों को बदले में 400 करोड़ रुपए भेजने के लिए एनसीसी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की और वैश्विक हथियार डीलर और काले गायवाड़ा को पता चला कि उनकी बेटी आलिया बंदियों में से एक है और वह सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाता है। आज़ाद ने उस पैसे को देश के लिए लगभग 7 लाख गरीब किसानों को ऋण माफ करने के लिए दान करने की योजना बनाई गई थी। आज़ाद, उसका गिरोह किसान बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरण करने में भाग जाते हैं और आलिया के
माध्यम से उसे काली के अपना विक्रम राठौड़ बताते हैं। आजाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी छोटी बेटी सुचीत के साथ होती है और उनकी शादी हो जाती है। आजाद ने उनके लिए स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में सरकारी अस्पताल को बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की और बुनियादी ढांचे को तुरंत उन्नति किया जाता है, जहां पर आज़ाद द्वारा उसका गिरोह फिर से भाग जाते हैं और अपनी शादी के बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान का पता चलता है और काली का भाई मनीष जोड़े को पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करता है, जहां पर आज़ाद ने उसके हम सकल को विक्रम राठौड़ ने बचाया। जेल में नर्मदा खुद को एक कैदी का भेष बनाकर आज़ाद के साथियों से भिड़ती है। वहां उसे आज़ाद और विक्रम के रिश्ते के बारे में पता चलता है। वहीं पर 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़ जो भारतीय सेना के स्पेशलिस्ट ऑपरेशन यूनाइटेड कमांडर थे, उन्होंने एक ऑपरेशन पर भेजा गया था जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों का सामना करना पड़ा और विक्रम और उनकी टीम के एक युवा काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की जो उस समय हथियारों की आपूर्ति करता था। उसी रात केली ने विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी को ऐश्वर्या पर हमला किया जो उन्हें अलग कर दिया था, जहां पर पैरों रोली के 3 पुलिसकर्मी को हथियार के साथ जेल की सजा सुनाई गई, जहां पर उसे धमकी दे रहे थे। विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया और ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे को आज़ाद को जन्म दिया। जब आज़ाद 5 साल का हो गया तो ऐश्वर्या ने उन्हें भी फांसी चढ़ाने से पहले अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। दुनिया के लिए अज्ञात विक्रम हमले से बच गया लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसे पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी समूह में पाया और बचाया। वर्तमान में नर्मदा के अधीन स्तर ईरानी केरल केली के पैरोल पर होने का पता चलता है, जहां पर उन सभी को गोली मारने की कोशिश करता और गोलीबारी में लक्ष्मण की मौत हो गई। आज़ाद को ईरानी को मार डाला और काली के ट्रेन चुरा लिया जिसमें उसके पिता उसकी टीम और उसके पिता के दोस्ती के साथ शामिल थे, जहां पर ट्रैकों में आगामी चुनाव के लिए पैसे जिनका उपयोग किया लिए राजनीतिक महाकांक्षी के साथ बढ़ा देने के लिए किया जाएगा, जो विक्रम के साथ उसकी टीमों को काली के गुंगेरों के लिए पकड़ा गया। और आज़ाद ने जनता के एक वीडियो जारी किया और कहा कि वोटिंग मशीन चुरा ली, वह वायु जल प्रदूषण के जिम्मेवार हैं और उसे 253 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग करते हैं, जहां पर सरकार फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और केली को अंत विक्रम द्वारा अंत याददाश्त के वापस पा लेता है और वहाँ पर आज़ाद को लड़ते और काली को फांसी लटका देते हैं, जहाँ पर कुछ ही महीनों बाद एसटीएफ की अधिकारी माधव ने आइन की आज़ादी को उनके मिशन को पूरा करने में मदद करता और स्विच बैंकों को लक्षित करने के लिए न्याय मशीन सौंपा गया। दोहरी भूमिका में शाहरुख खान और कैप्टन विक्रम राठौड़ के पूर्व कमांडर आज़ाद एक महिला जेल का जेलर है जो विक्रम का बेटा और नयनतारा नर्मदा राय के फोर्स वन की प्रमुखता और विजय सेतुपति के हथियार डीलर काली गायकवाड़ के रूप में विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या राठौड़ के रूप में दीपिका पादुकोण विशेष रूप से देखी गई है और प्रियलक्षणी के रूप में डॉक्टर ईरानी के लिए नायब मल्होत्रा ईरानी सुनील गावस्कर के साथ काली की मां के रूप में स्मिता तांबे और काली के पिता के रूप में ओरंका मणिपुरम है। बताया जाता है कि ओमकार दास मणिपुरम जो 5 अगस्त 1977 को इनका जन्म हुआ, जहां पर निर्णायक रूप में देखे गए। वहीं पर अक्टूबर 2019 में शाहरुख खन्ना की 0 2018 के साथ घोषित कर दिया गया और इन घोषणाओं के जरिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देखा गया तथा इन्होंने अपने सहयोग के साथ लाई गई थी और इन श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इनके रिपोर्टों के साथ लाए गए और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर प्रकाशित कर दी गई थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार
रही और इस मूवी को शानदार दृश्यों के जोड़े के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिपोर्टों द्वारा जारी करके लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिया देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने सहयोग के साथ लाया जाता है, जो इनके सहयोग तिथियों के बारे में बात करके घोषित कर दिया गया था। और इन घोषणाओं के रोहेल रूप से जारी समीक्षाओं के बारे में बताया गया तथा इन रिपोर्टों को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दी और इस मूवी की बहुत बेहतरीन समीक्षाओं के लिए लाया गया, जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में कही गई थी। और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में लाया गया और अपनी दृश्य तिथियों को जारी करके प्रकाशित रूपों के साथ लाया जाएगा, जहां पर अपने बारे में बात करते हैं। और इन्होंने अपनी सहयोग के लिए ला करके प्रकाशित दृश्यों को बताया जाएगा, जो इन सहयोग के साथ देखी गई, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षा बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दिया गया, जहां पर अपने आप की योजनाओं को लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा और इस मूवी को शानदार रूपों के जरिए बात करते गए। और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों को ले जाकर अपनी समीक्षाओं के जरिए बात करते हैं और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे देते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इन शानदार समीक्षाओं के जोड़े के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर काफ़ी अच्छे आयोजितों द्वारा लाया गया और इन श्रृंखलाओं के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छे से घोषित कर दिया गया था और इन घोषणाओं को जोड़े के बारे में आयोजित करके लाया जाएगा, जहां से आप बहुत अच्छा रिपोर्ट के लिए देखी गई और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर देते हैं। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के जरिए जारी और अच्छे रिस्पॉन्स के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में जारी करके प्रकाशित रूप के साथ दिखाया गया था और इस मूवी को बहुत बेहतरीन सहयोगों के बारे में जारी भी कर दिया। मूवी अपने योजना के साथ बात करती है और बता कर लाए जाते हैं, जहां पर अपने सहयोगों घोषणाओं के लिए लॉकडाउन में इटली के साथ खोरी खान के लिए रेड रिलीज पर जारी जूम कॉल को बताया। फिल्म जल्द ही शुरू होगी और फिल्म का निर्माण रूप से जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने आप की योजनाओं के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपने दृश्यों के जरिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी अपने समीक्षाओं के जरिए लाए जाते हैं और इन तथ्यों के साथ देखकर बहुत बेहतरीन रेटिंग के साथ ला करके बहुत अच्छा रूप प्रदान कर दिया था और इन्होंने अपने प्रकाशित समीक्षाओं के बारे में बहुत अच्छे से देखे गए, जहां पर खप्पा पट्टी ने सुनील रेडियस स्टेट निर्देशन रूप में काम पर रखा गया, जो नृत्य कोरियोग्राफर को मर्चेंट सोवी के ललित द्वारा शामिल और मुकेश के गाबियान कास्टिंग को डायरेक्ट में बताया गया और खाना पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में निभाई गई, जो 6 अलग अलग लुक में नजर आएगी। नयनतारा के साथ खान के लिए मुख्य अभिनेत्री की अंतिम रूप दिया गया और इस तरह से उनकी सिनेमा को पहली फिल्म प्रियमणि के सुनील वाकर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू के बाद कलाकारों ने शामिल के दशक के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिर बार चेन्नई के एक्सप्रेस के साथ अभिनय कर दिया गया और इन्होंने अपने आप के लिए बताई गई भूमिकाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखे गए थे, जहां पर अपनी शुरुआती उपस्थिति शूटिंग कलाकार के लिए विजय के साथ इटली के साथ केमियों के लिए देखी गई और सिनेमा एक्सप्रेस को ले जाकर प्रकाशित भी कर दिया। वहीं पर प्रिंसिपल फोटोग्राफी के साथ 2021 के पुणे जवान के कुछ दृश्यों को 30
अगस्त को लाया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बहुत बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था और इस मूवी को बहुत बेहतरीन समीक्षाओं के साथ देखी गई और अपने तथ्यों को जोड़ी बनाकर अपने सहयोगों के बारे में बात करते हैं और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया गया वहीं पर अपनी दृश्य काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को शानदार रूपों के बारे में जारी करके प्रकाशित कर दिया गया और इनके प्रकाशन के जोड़ों के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे दिया था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए आयोजित करके बात करती है और इन रिपोर्टों के साथ घोषित भी कर दिया गया। वहीं पर अपनी समीक्षाओं को देखा जाएगा जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर देता है और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पांस के साथ लाए भी जाते हैं। मूवी अपने तिथियों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपने सहयोग के बारे में जारी और अच्छे रिपोर्टों के साथ घोषित कर दिया गया जहां से अपने सहयोग के लिए लाया गया और इन तथ्यों के जोड़े के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इसे शानदार रिस्पॉन्स के लिए देखे गए थे और इन्होंने अपने आप के लिए लाया गया और इन्हें प्रकाशित भी कर दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसे शानदार समीक्षाओं को जोड़ी बनाकर अपने प्रकाशित रूपों के साथ देखी गई और इनके दृश्य श्रृंखलाओं को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे सहयोग के लिए ला करके प्रकाशित कर देती है और इन्होंने अपने आप के लिए लाए गए जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते गए और इनके रेटिंगों को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया। मूवी ज़्यादा शानदार रही और इस मूवी को शानदार रिपोर्टों के साथ देखे गए थे जहां से अपने ग्रामीण तथ्यों के बारे में जारी करके उजागर कर दिया गया और इनके पहले खान के साथ जून में अपनी शादी के बाद इसे 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल के लिए देखा गया जहां पर इस शेड्यूल के दौरान पारिवारिक दृश्यों के जरिए जारी कर देते हैं और इनके साथ प्रकाशित कर देते हैं। मूवी चेन्नई में शुरुआत जहां दीपिका पादुकोण ने अपने कैमियो के हिस्से के लिए शूट कर देते हैं जहां से अपने आप की योजना के बारे में बताया गया और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स राजस्थान में आयोजित अगले खान को नयनतारा के 20 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हो गए। वहीं पर अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में आयोजित रूप से जहां पर खान का पीछा करने की शूटिंग के बारे में बात करते हैं और इनके दृश्यों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है। वहीं पर इन्होंने अपने सहयोग तिथियों के बारे में लाई गई समीक्षाओं के जरिए बताया गया और इनके दृश्यों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इनके शानदार सहयोगों के बारे में जाते गए और इनके साथ बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर आयोजित रही थी जहां से अपने सहयोगों के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार सहयोगों के जरिए लाया गया और अपने दृश्यों के जरिए देखकर प्रकाशित कर देती है। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को शानदार रिस्पॉन्सों के लिए लाया गया था जहां पर अपनी सहयोग तिथियों के में बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देती है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्सों को बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया जाएगा जो इनके सहयोगों के बारे में बात कर देते हैं जहां पर अपनी दृश्यों के साथ लाई गई और इन समीक्षाओं को जोड़ी बनाकर अपने आप की योजना के साथ
देखे गए जो इनके दृश्य तिथियों के साथ लाई जाएगी, जहाँ पर अपने सहयोग तिथि के साथ बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था और इस मूवी को बहुत अच्छे रिपोर्ट के लिए लाए भी गए, जहाँ पर अपनी दृश्य तिथि को बहुत अच्छा रहा था। मूवी अपने सहयोग के बारे में बात करती गई और इन के साथ दिखाकर बहुत अच्छा रहा। मूवी अपने रिपोर्टों के जरिए आ गया और इन रिपोर्टों को बहुत अच्छे से प्रकाशित श्रृंखलाओं को देखा भी गया, वहीं पर इसी के साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया गया, जहां पर लिंक दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रमुख भूमिका में देखी गई और इसके सहयोग और तथ्यों को जारी कर दिया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार थी और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्स के जरिए देखी गई थी, जहाँ पर इन सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और अभिनय मर्चेंट द्वारा अपनी सहयोग तिथि को फिल्म बजट के साथ मुकाबले प्रोड्यूस्ड कर दिए गए। मूवी 2023 में रिलीज कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स भी दिया गया, जहां पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रेटिंगों और समीक्षाओं के जरिए काफ़ी बेहतरीन दृश्यों के साथ प्रकाशित कर दी गई और यह अच्छा फिल्म के साथ महिलाओं को चली गई, जहाँ पर अपने आप की योजना को ले जाकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देती है और इस मूवी को अच्छे समीक्षाओं के साथ लाई गई, जहां पर अपनी भूमिका पर्यवेक्षकों ने अपने आप की दृश्यों के साथ अपनी अपनी समीक्षाओं के लिए ला करके प्रकाशित कर दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार योजना के साथ देखे गए और तथ्यों को ले जाकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और शानदार समीक्षाओं को जोड़े बनाने के लिए अपने आप के लिए चिल्लर ऑफ द विंस के साथ देखा गया और इनके सहयोगों ने अपने आप की दृश्यों और तथ्यों को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दे दिया था। मूवी अपने आयोजितों द्वारा लाई गई, जहाँ से इनके प्रकाशन के जोड़े के बारे में बात करते हैं और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे देते हैं, जहां से इस मूवी को अच्छी योजना के तहत लाया गया और इन भूमिकाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिए गए थे और इनकी समीक्षाओं के जरिए बताया भी गया था। वहीं पर जवान मूवी एक बहुत ज़्यादा शानदार मूवी है और इस मूवी को शानदार दृश्यों के साथ देखे गए हैं, जो इनके रूपों के बारे में बात करते हैं और इन रूपों के साथ जवान मूवी 2023 की एक बॉलीवुड सुपर हिट मूवी थी, जहां पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और इस मूवी की भूमिकाओं को लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया गया था, जहां से अपने आप की योजना के बारे में बात करते गए और बताते गए थे और इनके रेटिंगों के साथ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेटिंग भी दिया गया। मूवी ने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स को रंग भरने की शुरुआती में लाया गया और नयनतारा के किरदार दीप वेंकट के साथ तमिल तेलुगु संस्करण को नयनतारा के लिए डब और रवीना के साथ फिल्म में तमिल में तेलुगु में संस्करण के उत्पादन के साथ देखे गए थे, जो इनके सहयोगों के बारे के विषय को लाया गया। शाहरुख खान के मुताबिक फिल्म के विषय महिला शक्तिकरण के साथ दिखाया गया और टेलीग्राफर के अग्नि योगी ने अपने तर्क में जवाबी कार्रवाई के साथ लाया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार है और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के लिए लाया गया तथा इनके दृश्य के साथ बात करते हैं और इन्हें बताकर लाया जाएगा, जहां पर अपनी दृश्यों के साथ देखी गई, जो इनके सहयोग तिथियों के बारे में बात करते गए और अपनी आपकी योजनाओं के लिए लाया जाएगा, जो अपने दृश्यों के बारे में देखी गई और इन्होंने अपनी सहयोग के साथ लाया जाएगा और इन्होंने अपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया, जो इस मूवी को
लाई जाएगी और इनके सहयोग तिथियों के साथ कपिल खान के निर्माण के बारे में जीवन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए प्रेरित प्रदर्शन को गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर कपिल खन्ना का किरदार निभाया जो प्रेरणा का काम करते हैं और डॉक्टर खान के साथ 2017 के गोपुरम द्वारा अस्पताल के मूर्तियों द्वारा उन्हें व्यापार में जाने के लिए अनजाने के साथ देखी गई थी, जहां पर इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखे गए, जहां पर अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर दिया गया और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। वहीं पर इस मूवी की अच्छी योजनाओं के तहत विक्रम राठौड़ के काली गायकवाड़ पर आधारित बनी यह मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही है और इस मूवी को विस्फोट बोफर्स घोटाला के लिए प्रेरितों के साथ भारतीय सेना में एक राजनीतिक वित्तीय विवाद के साथ घोटाला हथियार था जिसमें भारतीय राजनीतिक रक्षा खरीदार महत्वपूर्ण प्रभाव डालता और फिल्म दृष्टि भ्रष्टाचार राजनीतिक साजिश पर दंडित स्थिति को दिखाया गया है और इसी के साथ जवान मूवी बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए भी देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और इन दृश्यों के साथ बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ लाई गई, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के लिए देखा गया था और इन्होंने देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे जो इनके सहयोगों के बारे में बात करते हैं और बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देते हैं जो अपनी योजनाओं के तहत बताया गया और इन्होंने अपनी भूमिकाओं और श्रृंखलाओं को जोड़ी बनाए रखने के लिए देखी गई। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इन्होंने अपने सहयोगों के साथ देखी गई और इनके साथ देखकर जारी कर दिया गया, जहां से इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया और इस मूवी की रिस्पॉन्स रेटिंग देखकर काफ़ी अच्छा रहा था, जहां से अपने सहयोगों के बारे में बात करते गए और बताकर काफ़ी बेहतरीन रेटिंगों के आयोजितों के साथ लाया गया और इन सहयोग तिथियों के बारे में बहुत अच्छे आयोजित रही थी, जहां से अपने बारे में बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया और इनके सहयोगों के बारे में काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स लिया गया और अपने दृश्यों के साथ जानदार और शानदार रिस्पॉन्स के लिए बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्सों के लिए जारी कर दिया गया, जहां पर अपने कल्पनांकों के बारे में बात करते हैं और इसे बताकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। मूवी शानदार रही थी और इसे शानदार रिस्पॉन्सों के लिए जोड़े भी गए थे, जहां से अपने रूपों के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दी गई तथा इन तथ्यों को जोड़ी बनाने के लिए अपने सहयोगों के बारे में बात करती गई और इसे बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रेटिंग के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था और अच्छी योजनाओं के तहत देखे गए थे, जहां से इन्होंने अपने रूपों के बारे में बात करता गया और इनके दृश्य तथ्यों को ले जाकर अपनी सहयोग के बारे में जारी कर दिया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इनके रिपोर्टों के जरिए जारी देखे गए थे, जहां से अपने आयोजितों ने अपनी भूमिकाओं के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इन अच्छी योजनाओं के तहत देखी भी गई थी। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी और वही जहां पर जवान मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखे गए और इनकी भूमिकाओं के जरिए लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ प्रकाशित कर दिया गया, जब इनके रेटिंगों के साथ देखी गई और इन्होंने अपने आप के लिए लाकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार तथ्यों को जोड़ी के साथ देखे गए, जहां से अपनी
आयोजित रूपों के बारे में बात करते गए और बताकर प्रकाशित कर दिया गया और इन समीक्षाओं के लिए अपने आप के साथ दृश्य तथ्यों को जोड़ी बनाने के लिए काफ़ी बेहतरीन शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार रूपों के बारे में देखा गया और अपने आयोजित रूप में लाई गई जहां पर अपने साथी के साथ प्रकाशन सहयोग के बारे में बात करती गई और इनके जरिए बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने सहयोग के जरिए जारी कर दिया गया और इनके रेटिंगों के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया गया था जहां पर अपनी रेटिंगों के लिए लाई गई है जहाँ से इनके प्रकाशन के बारे में बात करते गए और इन प्रकाशन समीक्षाओं के लिए देखी गई थी और अपने तथ्यों के बारे में बात को ले जाकर बहुत बेहतरीन रिस्पांस दे दिया गया जो इनके सहयोग के बारे में बात करते गए और इन्होंने अपनी रिपोर्टों के साथ देखकर प्रकाशित रही थी जहां से अपने आपके सहयोग के बारे में बताया गया और इन्होंने अपनी तथ्यों के लिए ले जाकर उजागर कर दिया गया। मूवी बहुत बेहतरीन शानदार थी और इस मूवी को शानदार रिस्पांस के लिए लाया गया था और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में बात भी कर दिया जहां से अपनी रिस्पांस रेटिंग देखी गई थी और इनके प्रकाशन के साथ बहुत अच्छा रूपों के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा और इन बेहतरीन दृश्यों को उजागर कर दिया गया और इनके सहयोगों के बारे में बताया भी गया। वहीं से इस मूवी की बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पांस रही थी और इस मूवी को शानदार सहयोगों को जोड़ी बनाने के लिए अपने प्रकाशन के साथ दिखाया गया तथा इस प्रकाशन में अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छा रहा जो इनके रेटिंगों के लिए लाई गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बताया गया और इनके साथ देखकर प्रकाशित भी कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को लाई जाएगी जहां पर अपने सहयोगों के बारे में बात करते हुए बताकर इन दृश्य तथ्यों को उजागर कर दिया गया और इस मूवी की बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग के साथ देखी गई और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में लाया जाएगा जहां पर अपनी कथनाओं को उजागर कर देते हैं और इनके सहयोगों के साथ बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन रिस्पांस भी दे देते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई और इसे अच्छी योजना के तहत ही दिखाया गया जहां पर अपने आप की योजना के लिए ला करके देखकर घोषित कर देती है और इन घोषणाओं को जोड़े के साथ बनाए रखने के लिए लाया जाएगा जो अपने आप की योजना के साथ बात करते हैं और इन्हें बताते हुए दिखाए भी जाते हैं। मूवी अपने सहयोग तिथियों के बारे में देखी गई थी और इन तथ्यों को ला करके घोषित कर दिया गया और अपने आप की योजना के बारे में जारी भी कर दिया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इसे बेहतरीन रूपों के बारे में देखकर बहुत अच्छा रेटिंग प्रकाशित कर दिया गया और इन प्रकाशनों ने अपने आप के सहयोगों को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार रिस्पांस रहा था। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी रही और इस मूवी की अच्छी योजना के साथ देखे गया और इनके कथनांक के जरिए जारी भी कर दिया गया। वहीं से इस मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया गया था और इस मूवी की अच्छी सहयोग के साथ लाई जाएगी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए देखकर प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को एक बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रही थी जहां पर
अपने सहयोगों के बारे में देखी गई और इनके आयोजित कथनांक के जरिए अच्छे रिस्पॉन्स के लिए लाकर अपने आप की योजना को बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। और इस मूवी को आयोजितों द्वारा सहयोगों के बारे में बात कर दिया गया था और इस मूवी के अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ बनाए रखने के लिए सहयोग तिथियों को काफ़ी अच्छा रेटिंग दे देते हैं, जो इनके घोषित रूप के साथ बात करते हैं और इनके रूपों के लिए लाए गए समीक्षाओं के लिए बात भी किया गया है, जहां से इस मूवी की बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे देते हैं। और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में बात करते हुए दिखाया गया और इन रिपोर्टों के माने तो मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को बेहतरीन योजना के साथ लाए जाते हैं, जो इनके बारे में बात करती गई और इनके रेटिंग के साथ आयोजित और घोषित में दिखाया गया और अपनी अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था। वहीं पर अपनी आयोजित रूपों के जरिए बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रही, जो इनके रिपोर्टों को बहुत अच्छे श्रृंखलाओं को जोड़ी के साथ एक अच्छा रेटिंगों के बारे में देखा गया था। वहीं से इस मूवी की योजना बहुत ज़्यादा शानदार योजना में बदल गई थी और इस मूवी की योजना तारीखों के साथ देखे गए, जहां से इनके बताई गई कथनांक बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स के साथ देखे गए और इन्होंने अपनी तथ्यों के बारे में बात करते गए, जहां पर इन तथ्यों को उजागर भी किया था और इस मूवी की उजागर तिथि को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जहां पर अपने आप की योजना को ले जाकर अपनी सहयोगों के बारे में बात को दिखाया था और दिखाकर बहुत बेहतरीन प्रकाशन को जोड़ा गया। वहीं से इन रिपोर्टों के बारे में लाई गई भूमिकाओं के साथ दिखाया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स घोटाला के साथ देखे गए, जहां पर संगीत रूपों में अपने साथ अरुआ रविचंद्र द्वारा रचा गया, जो शाहरुख खान और इटली के साथ काम करती। यह फिल्म बॉलीवुड के एकल संगीतकार के लिए काम करते और उनकी शुरुआत होगी, जो डेविस के गीतों की जर्सी की पृष्ठभूमिकाओं के लिए स्कोर की रचना के लिए आती गई। रहमान द्वारा कथित तौर पर निर्देशित एटिलास की शुरुआत रहमान द्वारा कथित निर्देशन के साथ फिल्म ने संगीत देने के लिए संपर्क में किया था। बाद में रहने के अज्ञात कारणों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और अरुआ रविचंद्र ने संगीत को देने के लिए चुना गया, जहां पर संगीत अधिकार ने टी सीरीज के लिए 34 करोड़ के मुद्दे को हासिल किया और एल्बम जारी को कर दिया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ संदिग्ध रूप में देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और इनकी दृश्य तिथि को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखे गए थे, जहाँ पर अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते हैं और इसे समीक्षाओं बलों द्वारा बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर लाया भी जाता है। मूवी 3 जून 2022 को अपने रिवीजन के साथ लाया गया, जहां पर अपने कार्मिनल दृष्टि के साथ जवान को काफ़ी। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जवान फिल्म के बारे में, जो एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी भाषा के साथ मूवी आई थी और यह मूवी 2023 में भारतीय हिंदी सिनेमा पर रिलीज किया गया था, जिसमें एटिलास द्वारा हिंदी भाषा और पहली फिल्म के साथ में सीन द्वारा लिखित और निर्देशित किया और यह रेड रिलीज इंटरटेनमेंट के तहत गौरी खन्ना और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित कर दिया गया, जिसमें शाहरुख खान पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में देखे गए और समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति
और प्रियमणि और अनन्या मल्होत्रा सहायक भूमिका में देखे गए। निर्देशन एटिलिया और इसका पाठकथा का लेखक भी एस रामगिरी निवास और संपादक सुमित अरोरा है। वहीं पर कहानी एटली द्वारा दिया गया और इनका उत्पादन गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा देखी गई है। अभिनेता शाहरुख खान और नयनतारा दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, छायाकांत जी के विष्णु और संपादित रूबेन द्वारा देखी गई। संगीत को अनिरुद्धम रविचंद्र द्वारा दिया गया और इसका मूवी उत्पादन कंपनी रेड रिलीज इंटरटेनमेंट रही थी, जहां से इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया था और इनके सहयोग के बारे में जारी करके प्रकाशित भी कर दिया गया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए, जहां पर इनकी श्रृंखला देखी गई। वहीं पर मूवी को 7 सितंबर 2023 में रिलीज कर दिया गया और मूवी की रन टाइम 169 मिनट थी। मूवी भारत में हिंदी भाषा के साथ लॉन्च किया गया था और मूवी की लागत बजट करीब 370 करोड़ थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 11.48.72 करोड़ का कलेक्शन करके मुख्य फोटोग्राफी की शुरुआत 2021 के पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान, औरंगाबाद फिल्मांकन के साथ हुई थी। फिल्म साउथ बैलग्राउंड स्कोर अरु अनिल रुद्रन और रविचंद्र द्वारा तैयार किया गया, जहां पर सिनेमेटोग्राफी विष्णु के साथ देखी गई थी और इन्होंने इन दृश्यों के साथ फिर से शूट किया गया, जहां पर विशेष रूप के गाने को जिंदाबाद तमिल में वधा एंडर्स में खान की उपस्थिति के लिए सेतुपति के हिस्से और योगी बाबू के दृश्यों के साथ देखी गई। जवान को पहले 2 जून 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पोस्टर प्रोडक्शन का काम अधूरा होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, जो इसे 7 सितंबर 2023 को मानक आईमैक्स 4D एंड अन्य प्रीमियम प्रारूपों को जन्माष्टमी के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके अलावा के प्रदर्शन, पाठकथा, लेखकों को एक्शन दृश्यों के साथ संगीत स्कोर पर सांसा की फिल्म द्वारा जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया गया था। वहीं से इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी की योजना के साथ देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने रिपोर्टों के जरिए लाई गई भूमिकाओं के साथ देखे गए थे, जहां पर इन श्रृंखलाओं को हिंदी फिल्म और 5वीं में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी, जहां पर 69वें फिल्मेयर पुरस्कार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशन सहित 14 नामांकन प्राप्त किया। आज़ाद के साथ लाए गए, जहां पर मुंबई की महिला जेल का जेलर और 6 कैदियों को लक्ष्मी, इराद, इस्तिकार और काबिल, हेलना और जानवी ये समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन पर हाईजैक कर लेता है, जो यात्रियों को बंधक बना लेता है और आज़ाद बताने के लिए कैसे काल्पी के किसान पिता के ने दर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। आज़ाद ने कृषि मंत्री के बंधकों को बदले में 400 करोड़ रुपए भेजने के लिए NCC अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की और वैश्विक हथियार डीलर और काली गायवाड़ा को पता चला कि उनकी बेटी आलिया बंदियों में से एक है और वह सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाता है। आज़ाद ने उस पैसे को देश के लिए लगभग 7 लाख गरीब किसानों को ऋण माफ़ करने के लिए दान करने की योजना बनाई गई थी। आज़ाद उसका गिरोह किसान बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरण करने में भाग जाते हैं और आलिया के माध्यम से उसे काली के अपना विक्रम राठौड़ बताते हैं। आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी छोटी बेटी सुचित के साथ होती है और उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद ने उनके लिए स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में सरकारी अस्पताल को बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की और बुनियादी ढांचे को तुरंत उन्नति किया जाता है, जहाँ पर आज़ाद द्वारा उसका गिरोह फिर से भाग जाते हैं और अपनी शादी के बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान का पता चलता है और काली का भाई मनीष जोड़े को पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित
करता है, जहाँ पर अजाब ने उसके हम शक्ल को विक्रम राठौड़ ने बचाया। जेल में नर्मदा खुद को एक कैदी का भेष बनाकर आज़ाद के साथियों से भिड़ती है। वहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के रिश्ते के बारे में पता चलता है। वहीं पर 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़, जो भारतीय सेना के स्पेशलिस्ट ऑपरेशन यूनाइटेड कमांडर थे, उन्होंने एक ऑपरेशन पर भेजा गया था, जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों का सामना करना पड़ा और विक्रम और उनकी टीम के एक युवा काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो उस समय हथियारों की आपूर्ति करता था। उसी रात केली ने विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी को ऐश्वर्या पर हमला किया, जो उन्हें अलग कर दिया था, जहां पर पैरो रोली के तीन पुलिसकर्मी को हथियार के साथ जेल की सजा सुनाई गई, जहां पर उसे धमकी दे रहे थे। विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया और ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे को आज़ाद को जन्म दिया। जब आज़ाद 5 साल का हो गया तो ऐश्वर्या ने उन्हें भी फांसी चढ़ाने से पहले अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। दुनिया के लिए अज्ञात विक्रम हमले से बच गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसे पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी समूह में पाया और बचाया। वर्तमान में नर्मदा के अधीन स्तर ईरानी केरल केली के पैरोल पर होने का पता चलता है, जहां पर उन सभी को गोली मारने की कोशिश करता और गोलीबारी में लक्ष्मण की मौत हो गई। आज़ाद को ईरानी को मार डाला और काली के ट्रेन चुरा लिया, जिसमें उसके पिता, उसकी टीम और उसके पिता के दोस्ती के साथ शामिल थे, जहां पर ट्रैकों में आगामी चुनाव के लिए पैसे, जिनका उपयोग केली राजनीतिक महाकांक्षी के साथ बढ़ा देने के लिए किया जाएगा, जो विक्रम के साथ उसकी टीमों को काली के गुंगेरों के लिए पकड़ा गया। और आज़ाद ने जनता के एक वीडियो जारी किया और कहा कि वोटिंग मशीन चुरा ली, वह वायु जल प्रदूषण के जिम्मेवार हैं और उसे 253 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग करते हैं, जहां पर सरकार फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और केली को अंत विक्रम द्वारा अंत यादाश के वापस पा लेता है और वहाँ पर आज़ाद को लड़ते और काली को फांसी लटका देते हैं, जहाँ पर कुछ ही महीनों बाद एसटीएफ की अधिकारी माधव ने आइन की आज़ादी को उनके मिशन को पूरा करने में मदद करता और स्विच बैंकों को लक्षित करने के लिए न्याय मशीन सौंपा गया। दोहरी भूमिका में शाहरुख खान और कैप्टन विक्रम राठौड़ के पूर्व कमांडर आज़ाद एक महिला जेल का जेलर है, जो विक्रम का बेटा और नयनतारा नर्मदा राय के फोर्स वन की प्रमुखता और विजय सेतुपति के हथियार डीलर काली गायकवाड़ के रूप में विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या राठौड़ के रूप में दीपिका पादुकोण विशेष रूप से देखी गई हो और प्रियलक्षणी के रूप में डॉक्टर ईरानी के लिए नायब मल्होत्रा ईरानी सुनील गावस्कर के साथ काली की मां के रूप में स्मिता तांबे और काली के पिता के रूप में औरंका मणिपुरम है। बताया जाता है कि ओमकार दास मणिपुरम, जो 5 अगस्त 1977 को इनका जन्म हुआ, जहां पर निर्णायक रूप में देखे गए। वहीं पर अक्टूबर 2019 में शाहरुख खन्ना की 0 2018 के साथ घोषित कर दिया गया और इन घोषणाओं के जरिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देखा गया तथा इन्होंने अपने सहयोग के साथ लाई गई थी और इन श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इनके रिपोर्टों के साथ लाए गए और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर प्रकाशित कर दी गई थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इस मूवी को शानदार दृश्यों के जोड़े के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिपोर्टों द्वारा जारी करके लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने सहयोग के साथ लाया जाता है, जो इनके सहयोग तिथियों के बारे में बात करके घोषित कर दिया गया था और इन घोषणाओं के रोहेल रूप से जारी समीक्षाओं के बारे में बताया गया तथा इन रिपोर्टों को बहुत ज़्यादा
शानदार रिस्पॉन्स दे दी और इस मूवी की बहुत बेहतरीन समीक्षाओं के लिए लाया गया, जहाँ से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में कही गई थी और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में लाया गया और अपनी दृश्य तिथियों को जारी करके प्रकाशित रूपों के साथ लाया जाएगा, जहाँ पर अपने बारे में बात करते हैं और इन्होंने अपनी सहयोग के लिए ला करके प्रकाशित दृश्यों को बताया जाएगा जो इन सहयोग के साथ देखी गई, जहाँ पर इन्होंने अपनी समीक्षा बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दिया गया, जहाँ पर अपने आप की योजनाओं को लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा और इस मूवी को शानदार रूपों के जरिए बात करते गए और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों को ले जाकर अपनी समीक्षाओं के जरिए बात करते हैं और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे देते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इन शानदार समीक्षाओं के जोड़े के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर काफ़ी अच्छे आयोजितों द्वारा लाया गया और इन श्रृंखलाओं के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छे से घोषित कर दिया गया था और इन घोषणाओं को जोड़े के बारे में आयोजित करके लाया जाएगा, जहां से आप बहुत अच्छा रिपोर्ट के लिए देखी गई और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर देते हैं। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के जरिए जारी और अच्छे रिस्पॉन्स के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में जारी करके प्रकाशित रूप के साथ दिखाया गया था और इस मूवी को बहुत बेहतरीन सहयोगों के बारे में जारी भी कर दिया। मूवी अपने योजना के साथ बात करती है और बता कर लाए जाते हैं, जहां पर अपने सहयोगों घोषणाओं के लिए लॉकडाउन में इटली के साथ खोरी खान के लिए रेड रिलीज पर जारी जूम कॉल को बताया। फिल्म जल्द ही शुरू होगी और फिल्म का निर्माण रूप से जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने आप की योजनाओं के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपने दृश्यों के जरिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी अपने समीक्षाओं के जरिए लाए जाते हैं और इन तथ्यों के साथ देखकर बहुत बेहतरीन रेटिंग के साथ ला करके बहुत अच्छा रूप प्रदान कर दिया था और इन्होंने अपने प्रकाशित समीक्षाओं के बारे में बहुत अच्छे से देखे गए, जहां पर खप्पा पट्टी ने सुनील रेडियस स्टेट निर्देशन रूप में काम पर रखा गया, जो नृत्य कोरियोग्राफर को मर्चेंट सोवी के ललित द्वारा शामिल और मुकेश के गाबियान कास्टिंग को डायरेक्ट में बताया गया और खाना पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में निभाई गई जो 6 अलग अलग लुक में नजर आएगी। नयनतारा के साथ खान के लिए मुख्य अभिनेत्री की अंतिम रूप दिया गया और इस तरह से उनकी सिनेमा को पहली फिल्म प्रियमणि के सुनील वाकर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू के बाद कलाकारों ने शामिल के दशक के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिर बार चेन्नई के एक्सप्रेस के साथ अभिनय कर दिया गया और इन्होंने अपने आप के लिए बताई गई भूमिकाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखे गए थे, जहां पर अपनी शुरुआती उपस्थिति शूटिंग कलाकार के लिए विजय के साथ इटली के साथ केमियों के लिए देखी गई और सिनेमा एक्सप्रेस को ले जाकर प्रकाशित भी कर दिया। वहीं पर प्रिंसिपल फोटोग्राफी के साथ 2021 के पुणे जवान के कुछ दृश्यों को 30 अगस्त को लाया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को बहुत बेहतरीन समीक्षाओं के साथ देखी गई और अपने तथ्यों को जोड़ी बनाकर अपने सहयोगों के बारे में बात करते हैं और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया गया। वहीं पर अपनी दृश्य काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को शानदार रूपों के बारे में जारी करके प्रकाशित कर दिया गया और उनके प्रकाशन के जोड़ों के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा
रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए आयोजित करके बात करती है और इन रिपोर्टों के साथ घोषित भी कर दिया गया। वहीं पर अपनी समीक्षाओं को देखा जाएगा जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर देता है और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ लाए भी जाते हैं। मूवी अपने तिथियों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपने सहयोग के बारे में जारी और अच्छे रिपोर्टों के साथ घोषित कर दिया गया जहां से अपने सहयोग के लिए लाया गया और इन तथ्यों के जोड़े के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इसे शानदार रिस्पॉन्स के लिए देखे गए थे और इन्होंने अपने आप के लिए लाया गया और इन्हें प्रकाशित भी कर दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसे शानदार समीक्षाओं को जोड़ी बनाकर अपने प्रकाशित रूपों के साथ देखी गई और इनके दृश्य श्रृंखलाओं को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे सहयोग के लिए ला करके प्रकाशित कर देती है और इन्होंने अपने आप के लिए लाए गए जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते गए और इनके रेटिंगों को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया। मूवी ज़्यादा शानदार रही और इस मूवी को शानदार रिपोर्टों के साथ देखे गए थे जहां से अपने ग्रामीण तथ्यों के बारे में जारी करके उजागर कर दिया गया और इनके पहले खान के साथ जून में अपनी शादी के बाद इसे 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल के लिए देखा गया जहां पर इस शेड्यूल के दौरान पारिवारिक दृश्यों के जरिए जारी कर देते हैं और इनके साथ प्रकाशित कर देते हैं। मूवी चेन्नई में शुरुआत जहां दीपिका पादुकोण ने अपने कैमियो के हिस्से के लिए शूट कर देते हैं जहां से अपने आप की योजना के बारे में बताया गया और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स राजस्थान में आयोजित अगले खान को नयनतारा के 20 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हो गए। वहीं पर अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में आयोजित रूप से जहां पर खान का पीछा करने की शूटिंग के बारे में बात करते हैं और इनके दृश्यों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है। वहीं पर इन्होंने अपने सहयोग तिथियों के बारे में लाई गई समीक्षाओं के जरिए बताया गया और इनके दृश्यों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इनके शानदार सहयोगों के बारे में जाते गए और इनके साथ बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर आयोजित रही थी जहां से अपने सहयोगों के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार सहयोगों के जरिए लाया गया और अपनी दृश्यों के जरिए देखकर प्रकाशित कर देती है। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को शानदार रिस्पॉन्सों के लिए लाया गया था जहां पर अपनी सहयोग तिथियों के में बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देती है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्सों को बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया जाएगा जो इनके सहयोगों के बारे में बात कर देते हैं जहां पर अपनी दृश्यों के साथ लाई गई और इन समीक्षाओं को जोड़ी बनाकर अपने आप की योजना के साथ देखे गए जो इनके दृश्य तिथियों के साथ लाई जाएगी जहां पर अपने सहयोग तिथि के साथ बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था और इस मूवी को बहुत अच्छे रिपोर्ट के लिए लाए भी गए जहां पर अपनी दृश्य तिथि को बहुत अच्छा रहा था। मूवी अपने सहयोग के बारे में बात करती गई और इन के साथ दिखाकर बहुत अच्छा रहा। मूवी अपने रिपोर्टों के जरिए आ गया और इन रिपोर्टों को बहुत अच्छे से
प्रकाशित श्रृंखलाओं को देखा भी गया। वहीं पर इसी के साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया गया, जहां पर लिंक दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रमुख भूमिका में देखी गई और इसके सहयोग और तथ्यों को जारी कर दिया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार थी और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्स के जरिए देखी गई थी, जहाँ पर इन सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और अभिनय मर्चेंट द्वारा अपनी सहयोग तिथि को फिल्म बजट के साथ मुकाबले प्रोड्यूस्ड कर दिए गए। मूवी 2023 में रिलीज कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स भी दिया गया, जहां पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रेटिंगों और समीक्षाओं के जरिए काफ़ी बेहतरीन दृश्यों के साथ प्रकाशित कर दी गई और यह अच्छा फिल्म के साथ महिलाओं को चली गई, जहां पर अपने आप की योजना को ले जाकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देती है और इस मूवी को अच्छे समीक्षाओं के साथ लाई गई, जहां पर अपनी भूमिका पर्यवेक्षकों ने अपने आप की दृश्यों के साथ अपनी समीक्षाओं के लिए लाया करके प्रकाशित कर दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार योजना के साथ देखे गए और तथ्यों को ले जाकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और शानदार समीक्षाओं को जोड़े बनाने के लिए अपने आप के लिए चिल्लर ऑफ द विंस के साथ देखा गया और इनके सहयोगों ने अपने आप की दृश्यों और तथ्यों को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दे दिया था। मूवी अपने आयोजितों द्वारा लाई गई, जहां से इनके प्रकाशन के जोड़े के बारे में बात करते हैं और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे देते हैं, जहां से इस मूवी को अच्छी योजना के तहत लाया गया और इन भूमिकाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिए गए थे और इनकी समीक्षाओं के जरिए बताया भी गया था। वहीं पर जवान मूवी एक बहुत ज़्यादा शानदार मूवी है और इस मूवी को शानदार दृश्यों के साथ देखे गए हैं, जो इनके रूपों के बारे में बात करते हैं और इन रूपों के साथ जवान मूवी 2023 की एक बॉलीवुड सुपर हिट मूवी थी, जहां पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और इस मूवी की भूमिकाओं को लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया गया था, जहां से अपने आप की योजना के बारे में बात करते गए और बताते गए थे और इनके रेटिंगों के साथ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेटिंग भी दिया गया। मूवी ने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स को रंग भरने की शुरुआती में लाया गया और नयनतारा के किरदार दीप वेंकट के साथ तमिल तेलुगु संस्करण को नयनतारा के लिए डब और रवीना के साथ फिल्म में तमिल में तेलुगु में संस्करण के उत्पादन के साथ देखे गए थे, जो इनके सहयोगों के बारे के विषय को लाया गया। शाहरुख खान के मुताबिक फिल्म के विषय महिला शक्तिकरण के साथ दिखाया गया और टेलीग्राफर के अग्नि योगी ने अपने तर्क में जवाबी कार्रवाई के साथ लाया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार है और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के लिए लाया गया तथा इनके दृश्य के साथ बात करते हैं और इन्हें बताकर लाया जाएगा, जहां पर अपनी दृश्यों के साथ देखी गई, जो इनके सहयोग तिथियों के बारे में बात करते गए और अपनी आपकी योजनाओं के लिए लाया जाएगा, जो अपने दृश्यों के बारे में देखी गई और इन्होंने अपनी सहयोग के साथ लाया जाएगा और इन्होंने अपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया, जो इस मूवी को लाई जाएगी और इनके सहयोग तिथियों के साथ कपिल खान के निर्माण के बारे में जीवन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए प्रेरित प्रदर्शन को गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर कफिल खन्ना का किरदार निभाया, जो प्रेरणा का काम करते हैं और डॉक्टर खान के साथ 2017 के गोपुरम द्वारा अस्पताल के मूर्तियों द्वारा उन्हें व्यापार में जाने के लिए अनजाने के साथ देखी गई थी, जहां पर इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखे गए, जहां पर अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात
कर दिया गया और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। वहीं पर इस मूवी की अच्छी योजनाओं के तहत विक्रम राठौड़ के काली गायकवाड़ पर आधारित बनी यह मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही है और इस मूवी को विस्फोट बोफर्स घोटाला के लिए प्रेरितों के साथ भारतीय सेना में एक राजनीतिक वित्तीय विवाद के साथ घोटाला हथियार था जिसमें भारतीय राजनीतिक रक्षा खरीदार महत्वपूर्ण प्रभाव डालता और फिल्म दृष्टि भ्रष्टाचार राजनीतिक साजिश पर दंडित स्थिति को दिखाया गया है और इसी के साथ जवान मूवी बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए भी देखे गए जहां पर इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और इन दृश्यों के साथ बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ लाई गई जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के लिए देखा गया था और इन्होंने देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे। जो इनके सहयोगों के बारे में बात करते हैं और बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देते हैं जो अपनी योजनाओं के तहत बताया गया और इन्होंने अपनी भूमिकाओं और श्रृंखलाओं को जोड़ी बनाए रखने के लिए देखी गई मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इन्होंने अपने सहयोगों के साथ देखी गई और इनके साथ देखकर जारी कर दिया गया जहां से इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया और इस मूवी की रिस्पॉन्स रेटिंग देखकर काफ़ी अच्छा न रहा था जहां से अपने सहयोगों के बारे में बात करते गए और बताकर काफ़ी बेहतरीन रेटिंगों के आयोजितों के साथ लाया गया और इन सहयोग तिथियों के बारे में बहुत अच्छे आयोजित रही थी जहां से अपने बारे में बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया और इनके सहयोगों के बारे में काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स लिया गया और अपने दृश्यों के साथ जानदार और शानदार रिस्पॉन्स के लिए बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्सों के लिए जारी कर दिया गया जहां पर अपने कल्पनांकों के बारे में बात करते हैं और इसे बताकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। मूवी शानदार रही थी और इसे शानदार रिस्पॉन्सों के लिए जोड़े भी गए थे जहां से अपने रूपों के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दी गई तथा इन तथ्यों को जोड़ी बनाने के लिए अपने सहयोगों के बारे में बात करती गई और इसे बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रेटिंग के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था और अच्छी योजनाओं के तहत देखे गए थे जहां से इन्होंने अपने रूपों के बारे में बात करता गया और इनके दृश्य तथ्यों को ले जाकर अपनी सहयोग के बारे में जारी कर दिया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इनके रिपोर्टों के जरिए जारी देखे गए थे जहां से अपने आयोजितों ने अपनी भूमिकाओं के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इन अच्छी योजनाओं के तहत देखी भी गई थी मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी और वही जहां पर जवान मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखे गए और इनकी भूमिकाओं के जरिए लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ प्रकाशित कर दिया गया जब इनके रेटिंगों के साथ देखी गई और इन्होंने अपने आप के लिए लाकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार तथ्यों को जोड़ी के साथ देखे गए जहां से अपनी आयोजित रूपों के बारे में बात करते गए और बताकर प्रकाशित कर दिया गया और इन समीक्षाओं के लिए अपने आप के साथ दृश्य तथ्यों को जोड़ी बनाने के लिए काफ़ी बेहतरीन शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार रूपों के बारे में देखा गया और अपने आयोजित रूप में लाई गई जहां पर अपने साथी के साथ प्रकाशन सहयोग के बारे में बात करती गई और इनके जरिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया।
मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने सहयोग के जरिए जारी कर दिया गया और इनके रेटिंगों के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया गया था, जहां पर अपनी रेटिंगों के लिए लाई गई है, जहां से इनके प्रकाशन के बारे में बात करते गए और इन प्रकाशन समीक्षाओं के लिए देखी गई थी और अपने तथ्यों के बारे में बात को ले जाकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया, जो इनके सहयोग के बारे में बात करते गए और इन्होंने अपनी रिपोर्टों के साथ देखकर प्रकाशित रही थी, जहां से अपने आपके सहयोग के बारे में बताया गया और इन्होंने अपने तथ्यों के लिए ले जाकर उजागर कर दिया गया। मूवी बहुत बेहतरीन शानदार थी और इस मूवी को शानदार रिस्पॉन्स के लिए लाया गया था और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में बात भी कर दिया, जहां से अपनी रिस्पॉन्स रेटिंग देखी गई थी और इनके प्रकाशन के साथ बहुत अच्छा रूपों के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा और इन बेहतरीन दृश्यों को उजागर कर दिया गया और इनके सहयोगों के बारे में बताया भी गया। वहीं से इस मूवी की बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रही थी और इस मूवी को शानदार सहयोगों को जोड़ी बनाने के लिए अपने प्रकाशन के साथ दिखाया गया तथा इस प्रकाशन में अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छा रहा, जो इनके रेटिंगों के लिए लाई गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बताया गया और इनके साथ देखकर प्रकाशित भी कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को लाई जाएगी, जहां पर अपने सहयोगों के बारे में बात करते हुए बताकर इन दृश्य तथ्यों को उजागर कर दिया गया और इस मूवी की बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग के साथ देखी गई और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में लाया जाएगा, जहां पर अपनी कथनाओं को उजागर कर देते हैं और इनके सहयोगों के साथ बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई और इसे अच्छी योजना के तहत ही दिखाया गया, जहां पर अपने आप की योजना के लिए ब्याह करके देखकर घोषित कर देती है और इन घोषणाओं को जोड़े के साथ बनाए रखने के लिए लाया जाएगा, जो अपने आप की योजना के साथ बात करते हैं और इन्हें बताते हुए दिखाए भी जाते हैं। मूवी अपने सहयोग तिथियों के बारे में देखी गई थी और इन तथ्यों को ला कर के घोषित कर दिया गया और अपने आप की योजना के बारे में जारी भी कर दिया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इसे बेहतरीन रूपों के बारे में देखकर बहुत अच्छा रेटिंग प्रकाशित कर दिया गया और इन प्रकाशनों ने अपने आपके सहयोगों को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी रही और इस मूवी की अच्छी योजना के साथ देखे गया और इनके कथनांक के जरिए जारी भी कर दिया गया। वहीं से इस मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया था और इस मूवी की अच्छी सहयोग के साथ लाई जाएगी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए देखकर प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रही थी, जहां पर अपने सहयोगों के बारे में देखी गई और इनके आयोजित कथनांक के जरिए अच्छे रिस्पॉन्स के लिए लाकर अपने आप की योजना को बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया और इस मूवी को आयोजितों द्वारा सहयोगों के बारे में बात कर दिया गया था और इस मूवी के अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ बनाए रखने के लिए सहयोग तिथियों को काफ़ी अच्छा रेटिंग दे देते हैं, जो इनके घोषित रूप के साथ
बात करते हैं और इनके रूपों के लिए लाई गई समीक्षाओं के लिए बात भी किया गया, जहां से इस मूवी की बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे देते हैं। और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में बात करते हुए दिखाया गया। और इन रिपोर्टों के माने तो मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को बेहतरीन योजना के साथ लाए जाते हैं जो इनके बारे में बात करती गई। और इनके रेटिंग के साथ आयोजित और घोषित में दिखाया गया और अपनी अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था। वहीं पर अपनी आयोजित रूपों के जरिए बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रही, जो इनके रिपोर्टों को बहुत अच्छे श्रृंखलाओं को जोड़ी के साथ एक अच्छा रेटिंगों के बारे में देखा गया था। वहीं से इस मूवी की योजना बहुत ज़्यादा शानदार योजना में बदल गई थी और इस मूवी की योजना तारीखों के साथ देखे गए, जहां से इनके बताई गई कथनांक बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स के साथ देखे गए। और इन्होंने अपनी तथ्यों के बारे में बात करते गए, जहां पर इन तथ्यों को उजागर भी किया था और इस मूवी की उजागर तिथि को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जहां पर अपने आप की योजना को ले जाकर अपनी सहयोगों के बारे में बात को दिखाया था और दिखाकर बहुत बेहतरीन प्रकाशन को जोड़ा गया। वहीं से इन रिपोर्टों के बारे में लाई गई भूमिकाओं के साथ दिखाया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स घोटाला के साथ देखे गए, जहां पर संगीत रूपों में अपने साथ अरुआ रविचंद्र द्वारा रचा गया, जो शाहरुख खान और इटली के साथ काम करती। यह फिल्म बॉलीवुड के एकल संगीतकार के लिए काम करते और उनकी शुरुआत होगी, जो डेविस के गीतों की जर्सी की पृष्ठभूमिकाओं के लिए स्कोर की रचना के लिए आती गई। रहमान द्वारा कथित तौर पर निर्देशित एटिलास की शुरुआत रहमान द्वारा कथित निर्देशन के साथ फिल्म ने संगीत देने के लिए संपर्क में किया था। बाद में रहने के अज्ञात कारणों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और अरुआ रविचंद्र ने संगीत को देने के लिए चुना गया, जहां पर संगीत अधिकार ने टी सीरीज के लिए 34 करोड़ के मुद्दे को हासिल किया और एल्बम जारी को कर दिया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ संदिग्ध रूप में देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और इनकी दृश्य तिथि को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखे गए थे, जहाँ पर अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते हैं और इसे समीक्षाओं बलों द्वारा बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर लाया भी जाता है। मूवी 3 जून 2022 को अपने रिवीजन के साथ लाया गया, जहां पर अपने कार्मिनल दृष्टि के साथ जवान को काफ़ी। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जवान फिल्म के बारे में, जो एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी भाषा के साथ मूवी आई थी और यह मूवी 2023 में भारतीय हिंदी सिनेमा पर रिलीज किया गया था, जिसमें एटिलास द्वारा हिंदी भाषा और पहली फिल्म के साथ मेसिन द्वारा लिखित और निर्देशित किया और यह रीड रिलीज इंटरटेनमेंट के तहत गौरी खन्ना और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित कर दिया गया, जिसमें शाहरुख खान पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में देखे गए और समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति और प्रियमणि और अनन्या मल्होत्रा सहायक भूमिका में देखे गए। निर्देशन एटिलिए और इसका पाठकथा का लेखक भी एस रामगिरी निवास और संपादक सुमित अरोड़ा है। वहीं पर कहानी एटली द्वारा दिया गया और इनका उत्पादन गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा देखी गई। अभिनेता शाहरुख खान और नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, छायाकांत, जी के विष्णु और संपादित रूबेन द्वारा देखी गई। संगीत को अनिरुद्धम रविचंद्र द्वारा दिया गया और इसका मूवी उत्पादन कंपनी रेड रिलीज इंटरटेनमेंट रही थी, जहां से इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया था और इनके सहयोग के बारे में जारी
करके प्रकाशित भी कर दिया गया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए। जहां पर इनकी श्रृंखला देखी गई वहीं पर मूवी को 7 सितंबर 2023 में रिलीज कर दिया गया और मूवी की रन टाइम 169 मिनट थी। मूवी भारत में हिंदी भाषा के साथ लॉन्च किया गया था और मूवी की लागत बजट करीब 370 करोड़ थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 11.48.72 करोड़ का कलेक्शन करके मुख्य फोटोग्राफी की शुरुआत 2021 के पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान, औरंगाबाद फिल्मांकन के साथ हुई थी। फिल्म साउथ बैकग्राउंड स्कोर अरु अनिल रुद्रन और रविचंद्र द्वारा तैयार किया गया, जहां पर सिनेमेटोग्राफी विष्णु के साथ देखी गई थी और इन्होंने इन दृश्यों के साथ फिर से शूट किया गया, जहां पर विशेष रूप के गाने को जिंदाबाद तमिल में वधा एंडर्स में खान की उपस्थिति के लिए सेतुपति के हिस्से और योगी बाबू के दृश्यों के साथ देखी गई। जवान को पहले 2 जून 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पोस्टर प्रोडक्शन का काम अधूरा होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, जो इसे 7 सितंबर 2023 को मानक आईमैक्स 4D एंड अन्य प्रीमियम प्रारूपों को जन्माष्टमी के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके अलावा के प्रदर्शन पाठ तथा लेखकों को एक्शन दृश्यों के साथ संगीत स्कोर प्रशंसा की फिल्म द्वारा जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया गया था। वहीं से इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी की योजना के साथ देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने रिपोर्टों के जरिए लाई गई भूमिकाओं के साथ देखे गए थे, जहां पर इन श्रृंखलाओं को हिंदी फिल्म और 5वीं में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी, जहां पर 69वें फिल्मेयर पुरस्कार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशन सहित 14 नामांकन प्राप्त किया। आज़ाद के साथ लाई गई, जहाँ पर मुंबई की महिला जेल का जेलर और 6 कैदियों को लक्ष्मी, इराद, इस्तिकार और काबिल हिलना और जानवी ये समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन पर हाईजैक कर लेता है, जो यात्रियों को बंधक बना लेता है और आज़ाद बताने के लिए कैसे काल्पे के किसान पिता के ने दर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। आज़ाद ने कृषि मंत्री के बंधकों को बदले में 400 करोड़ रुपए भेजने के लिए NCC अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की और वैश्विक हथियार डीलर और काली गायवाड़ा को पता चला कि उनकी बेटी आलिया बंदियों में से एक है और वह सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाता है। आज़ाद ने उस पैसे को देश के लिए लगभग 7 लाख गरीब किसानों को ऋण माफ़ करने के लिए दान करने की योजना बनाई गई थी। आज़ाद उसका गिरोह किसान बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरण करने में भाग जाते हैं और आलिया के माध्यम से उसे काली के अपना विक्रम राठौड़ बताते हैं। आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी छोटी बेटी सुचीत के साथ होती है और उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद ने उनके लिए स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में सरकारी अस्पताल को बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की और बुनियादी ढांचे को तुरंत उन्नति किया जाता है, जहाँ पर आज़ाद द्वारा उसका गिरोह फिर से भाग जाते हैं और अपनी शादी के बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान का पता चलता है और काली का भाई मनीष जोड़े को पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करता है, जहां पर आज़ाद ने उसके हम शक्ल को विक्रम राठौड़ ने बचाया। जेल में नर्मदा खुद को एक कैदी का भेष बनाकर आज़ाद के साथियों से भिड़ती है, वहाँ उसे आज़ाद और विक्रम के रिश्ते के बारे में पता चलता है। वहीं पर 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़, जो भारतीय सेना के स्पेशलिस्ट ऑपरेशन यूनाइटेड कमांडर थे, उन्होंने एक ऑपरेशन पर भेजा गया था जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों का सामना करना पड़ा और विक्रम
और उनकी टीम के एक युवा काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की जो उस समय हथियारों की आपूर्ति करता था। उसी रात केली ने विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी को ऐश्वर्या पर हमला किया जो उन्हें अलग कर दिया था, जहां पर पैरो रोली के 3 पुलिसकर्मी को हथियार के साथ जेल की सजा सुनाई गई, जहां पर उसे धमकी दे रहे थे। विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया और ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे को आज़ाद को जन्म दिया। जब आज़ाद 5 साल का हो गया तो ऐश्वर्या ने उन्हें भी फांसी चढ़ाने से पहले अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। दुनिया के लिए अज्ञात विक्रम हमले से बच गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसे पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी समूह में पाया और बचाया। वर्तमान में नर्मदा के अधीन स्थल ईरानी केरल केली के पैरोल पर होने का पता चलता है, जहां पर उन सभी को गोली मारने की कोशिश करता और गोलीबारी में लक्ष्मण की मौत हो गई। आज़ाद को ईरानी को मार डाला और काली के ट्रेन चुरा लिया, जिसमें उसके पिता, उसकी टीम और उसके पिता के दोस्ती के साथ शामिल थे, जहां पर ट्रैकों में आगामी चुनाव के लिए पैसे जिनका उपयोग लिए राजनीतिक महाकांक्षी के साथ बढ़ा देने के लिए किया जाएगा। जो विक्रम के साथ उसकी टीमों को काली के गुंगेरों के लिए पकड़ा गया और आज़ाद ने जनता के एक वीडियो जारी किया और कहा कि वोटिंग मशीन चुरा ली, वह वायु जल प्रदूषण के जिम्मेवार हैं और उसे 253 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग करते हैं, जहां पर सरकार फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और केली को अंता विक्रम द्वारा अंता यादाश के वापस पा लेता है और वहां पर आज़ाद को लड़ते और काली को फांसी लटका देते हैं, जहां पर कुछ ही महीनों बाद एसटीएफ की अधिकारी माधव ने आइन की आज़ादी को उनके मिशन को पूरा करने में मदद करता और स्विच बैंकों को लक्षित करने के लिए न्याय मशीन सौंपा गया। दोहरी भूमिका में शाहरुख खान और कैप्टन विक्रम राठौड़ के पूर्व कमांडर आज़ाद एक महिला जेल का जेलर है जो विक्रम का बेटा और नयनतारा नर्मदा राय के फोर्स वन की प्रमुखता और विजय सेतुपति के हथियार डीलर काली गायकवाड़ के रूप में विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या राठौड़ के रूप में दीपिका पादुकोण विशेष रूप से देखी गई है और प्रियलक्षणी के रूप में डॉक्टर ईरानी के लिए नए मल्होत्रा ईरानी सुनील गावस्कर के साथ काली की मां के रूप में स्मिता तांबे और काली के पिता के रूप में औरंका मणिपुरम है। बताया जाता है कि ओमकार दास मणिपुरम जो 5 अगस्त 1977 को इनका जन्म हुआ, जहां पर निर्णायक रूप में देखे गए, वहीं पर अक्टूबर 2019 में शाहरुख खन्ना की 0 2018 के साथ घोषित कर दिया गया और इन घोषणाओं के जरिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देखा गया तथा इन्होंने अपने सहयोग के साथ लाई गई थी और इन श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इनके रिपोर्टों के साथ लाए गए और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर प्रकाशित कर दी गई थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इस मूवी को शानदार दृश्यों के जोड़े के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिपोर्टों द्वारा जारी करके लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने सहयोग के साथ लाया जाता है जो इनके सहयोग तिथियों के बारे में बात करके घोषित कर दिया गया था और इन घोषणाओं के रोहेल रूप से जारी समीक्षाओं के बारे में बताया गया तथा इन रिपोर्टों को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दी और इस मूवी की बहुत बेहतरीन समीक्षाओं के लिए लाया गया, जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में कही गई थी और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में लाया गया और अपनी दृश्य तिथियों को जारी करके प्रकाशित रूपों के साथ लाया जाएगा, जहां पर अपने बारे में बात करते हैं और इन्होंने अपनी सहयोग के लिए ला करके प्रकाशित दृश्यों को बताया जाएगा जो इन सहयोग के साथ
देखी गई, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षा बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दिया गया, जहां पर अपने आप की योजनाओं को लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा और इस मूवी को शानदार रूपों के जरिए बात करते गए और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों को ले जाकर अपनी समीक्षाओं के जरिए बात करते हैं और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे देते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इन शानदार समीक्षाओं के जोड़े के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर काफ़ी अच्छे आयोजितों द्वारा लाया गया और इन श्रृंखलाओं के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छे से घोषित कर दिया गया था और इन घोषणाओं को जोड़े के बारे में आयोजित करके लाया जाएगा, जहां से आप बहुत अच्छा रिपोर्ट के लिए देखी गई और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर देते हैं। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के जरिए जारी और अच्छे रिस्पॉन्स के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में जारी करके प्रकाशित रूप के साथ दिखाया गया था और इस मूवी को बहुत बेहतरीन सहयोगों के बारे में जारी भी कर दिया। मूवी अपने योजना के साथ बात करती है और बता कर लाए जाते हैं, जहां पर अपने सहयोगों घोषणाओं के लिए लॉकडाउन में इटली के साथ खोरी खान के लिए रेड रिलीज पर जारी जूम कॉल को बताया। फिल्म जल्द ही शुरू होगी और फिल्म का निर्माण रूप से जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने आप की योजनाओं के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपने दृश्यों के जरिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी अपने समीक्षाओं के जरिए लाए जाते हैं और इन तथ्यों के साथ देखकर बहुत बेहतरीन रेटिंग के साथ ला करके बहुत अच्छा रूप प्रदान कर दिया था और इन्होंने अपने प्रकाशित समीक्षाओं के बारे में बहुत अच्छे से देखे गए, जहां पर खप्पा पट्टी ने सुनील रेडियस स्टेट निर्देशन रूप में काम पर रखा गया, जो नृत्य कोरियोग्राफर को मर्चेंट सोवी के ललित द्वारा शामिल और मुकेश के गाबियान कास्टिंग को डायरेक्ट में बताया गया और खाना पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में निभाई गई, जो 6 अलग अलग लुक में नजर आएगी। नयनतारा के साथ खान के लिए मुख्य अभिनेत्री की अंतिम रूप दिया गया और इस तरह से उनकी सिनेमा को पहली फिल्म प्रियमणि के सुनील गवाकर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू के बाद कलाकारों ने शामिल के दशक के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिर बार चेन्नई के एक्सप्रेस के साथ अभिनय कर दिया गया और इन्होंने अपने आप के लिए बताई गई भूमिकाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखे गए थे, जहां पर अपनी शुरुआती उपस्थिति शूटिंग कलाकार के लिए विजय के साथ इटली के साथ केमियो के लिए देखी गई और सिनेमा एक्सप्रेस को ले जाकर प्रकाशित भी कर दिया। वहीं पर प्रिंसिपल फोटोग्राफी के साथ 2021 के पुणे जवान के कुछ दृश्यों को 30 अगस्त को लाया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को बहुत बेहतरीन समीक्षाओं के साथ देखी गई और अपने तथ्यों को जोड़ी बनाकर अपने सहयोगों के बारे में बात करते हैं और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया गया। वहीं पर अपनी दृश्य काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को शानदार रूपों के बारे में जारी करके प्रकाशित कर दिया गया और उनके प्रकाशन के जोड़ों के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए आयोजित करके बात करती है और इन रिपोर्टों के साथ घोषित भी कर दिया गया। वहीं पर अपनी समीक्षाओं को देखा जाएगा, जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर देता है और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ लाए भी जाते हैं। मूवी अपने तिथियों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपने सहयोग के बारे में जारी
और अच्छे रिपोर्टों के साथ घोषित कर दिया गया, जहां से अपने सहयोग के लिए लाया गया और इन तथ्यों के जोड़े के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इसे शानदार रिस्पॉन्स के लिए देखे गए थे और इन्होंने अपने आप के लिए लाया गया और इन्हें प्रकाशित भी कर दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसे शानदार समीक्षाओं को जोड़ी बनाकर अपने प्रकाशित रूपों के साथ देखी गई और इनके दृश्य श्रृंखलाओं को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे सहयोग के लिए ला करके प्रकाशित कर देती है और इन्होंने अपने आप के लिए लाए गए, जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते गए और इनके रेटिंगों को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया। मूवी ज़्यादा शानदार रही और इस मूवी को शानदार रिपोर्टों के साथ देखे गए थे, जहां से अपने ग्रामीण तथ्यों के बारे में जारी करके उजागर कर दिया गया और इनके पहले खान के साथ जून में अपनी शादी के बाद इसे 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल के लिए देखा गया, जहां पर इस शेड्यूल के दौरान पारिवारिक दृश्यों के जरिए जारी कर देते हैं और इनके साथ प्रकाशित कर देते हैं। मूवी चेन्नई में शुरुआत, जहां दीपिका पादुकोण ने अपने कैमियो के हिस्से के लिए शूट कर देते हैं, जहां से अपने आप की योजना के बारे में बताया गया और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स राजस्थान में आयोजित अगले खान को नयनतारा के 20 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हो गए। वहीं पर अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में आयोजित रूप से, जहां पर खान का पीछा करने की शूटिंग के बारे में बात करते हैं और इनके दृश्यों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है। वहीं पर इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में लाई गई समीक्षाओं के जरिए बताया गया और इनके दृश्यों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इनके शानदार सहयोगों के बारे में जाते गए और इनके साथ बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर आयोजित रही थी, जहां से अपने सहयोगों के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार सहयोगों के जरिए लाया गया और अपनी दृश्यों के जरिए देखकर प्रकाशित कर देती है। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को शानदार रिस्पॉन्सों के लिए लाया गया था, जहां पर अपनी सहयोग तिथियों के में बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देती है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्सों को बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया जाएगा, जो इनके सहयोगों के बारे में बात कर देते हैं, जहां पर अपनी दृश्यों के साथ लाई गई और इन समीक्षाओं को जोड़ी बनाकर अपने आप की योजना के साथ देखे गए, जो इनके दृश्य तिथियों के साथ लाई जाएगी, जहां पर अपने सहयोग तिथि के साथ बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था और इस मूवी को बहुत अच्छे रिपोर्ट के लिए लाए भी गए, जहां पर अपनी दृश्य तिथि को बहुत अच्छा रहा था। मूवी अपने सहयोग के बारे में बात करती गई और इन के साथ दिखाकर बहुत अच्छा रहा। मूवी अपने रिपोर्टों के जरिए आ गया और इन रिपोर्टों को बहुत अच्छे से प्रकाशित श्रृंखलाओं को देखा भी गया, वहीं पर इसी के साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया गया, जहां पर लिंक दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रमुख भूमिका में देखी गई और इसके सहयोग और तथ्यों को जारी कर दिया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार थी और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्स के जरिए देखी गई थी, जहां पर इन सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और अभिनय मर्चेंट द्वारा अपनी सहयोग तिथि को फिल्म बजट के साथ मुकाबले प्रोड्यूस्ड कर दिए गए। मूवी 2023 में रिलीज कर दिया गया और इस मूवी को
बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स भी दिया गया, जहाँ पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रेटिंगों और समीक्षाओं के जरिए काफ़ी बेहतरीन दृश्यों के साथ प्रकाशित कर दी गई और यह अच्छा फिल्म के साथ महिलाओं को चली गई, जहाँ पर अपने आप की योजना को ले जाकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देती है और इस मूवी को अच्छे समीक्षाओं के साथ लाई गई, जहाँ पर अपनी भूमिका पर्यवेक्षकों ने अपने आप की दृश्यों के साथ अपनी अपनी समीक्षाओं के लिए ला कर के प्रकाशित कर दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार योजना के साथ देखे गए और इन तथ्यों को ले जाकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और शानदार समीक्षाओं को जोड़े बनाने के लिए अपने आप के लिए चिल्लर ऑफ द विंस के साथ देखा गया और इनके सहयोगों ने अपने आप की दृश्यों और तथ्यों को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दे दिया था। मूवी अपने आयोजितों द्वारा लाई गई, जहां से इनके प्रकाशन के जोड़े के बारे में बात करते हैं और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे देते हैं, जहां से इस मूवी को अच्छी योजना के तहत लाया गया और इन भूमिकाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिए गए थे और इनकी समीक्षाओं के जरिए बताया भी गया था। वहीं पर जवान मूवी एक बहुत ज़्यादा शानदार मूवी है और इस मूवी को शानदार दृश्यों के साथ देखे गए हैं, जो इनके रूपों के बारे में बात करते हैं और इन रूपों के साथ जवान मूवी 2023 की एक बॉलीवुड सुपर हिट मूवी थी, जहां पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और इस मूवी की भूमिकाओं को लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया गया था। जहां से अपने आप की योजना के बारे में बात करते गए और बताते गए थे और इनके रेटिंगों के साथ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेटिंग भी दिया गया। मूवी ने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स को रंग भरने की शुरुआती में लाया गया और नयनतारा के किरदार दीप वेंकट के साथ तमिल तेलुगु संस्करण को नयनतारा के लिए डब और रवीना के साथ फिल्म में तमिल में तेलुगु में संस्करण के उत्पादन के साथ देखे गए थे, जो इनके सहयोगों के बारे के विषय को लाया गया। शाहरुख खान के मुताबिक फिल्म के विषय महिला शक्तिकरण के साथ दिखाया गया और टेलीग्राफर के अग्नि योगी ने अपने तर्क में जवाबी कार्रवाई के साथ लाया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार है और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के लिए लाया गया तथा इनके दृश्य के साथ बात करते हैं और इन्हें बताकर लाया जाएगा, जहां पर अपनी दृश्यों के साथ देखी गई, जो इनके सहयोग तिथियों के बारे में बात करते गए और अपनी आपकी योजनाओं के लिए लाया जाएगा, जो अपने दृश्यों के बारे में देखी गई और इन्होंने अपनी सहयोग के साथ लाया जाएगा और इन्होंने अपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया, जो इस मूवी को लाई जाएगी और इनके सहयोग तिथियों के साथ कपिल खान के निर्माण के बारे में जीवन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए प्रेरित प्रदर्शन को गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर कपिल खन्ना का किरदार निभाया, जो प्रेरणा का काम करता है और डॉक्टर खान के साथ 2017 के गोपुरम द्वारा अस्पताल के मूर्तियों द्वारा उन्हें व्यापार में जाने के लिए अनजाने के साथ देखी गई थी, जहां पर इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखे गए, जहां पर अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर दिया गया और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। वहीं पर इस मूवी की अच्छी योजनाओं के तहत विक्रम राठौड़ के काली गायकवाड़ पर आधारित बनी यह मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही है और इस मूवी को विस्फोट बोफर्स घोटाला के लिए प्रेरितों के साथ भारतीय सेना में एक राजनीतिक वित्तीय विवाद के साथ घोटाला हथियार था, जिसमें भारतीय राजनीतिक रक्षा खरीदार महत्वपूर्ण प्रभाव डालता और फिल्म दृष्टि भ्रष्टाचार राजनीतिक साजिश पर दंडित स्थिति को दिखाया गया है और इसी के साथ जवान मूवी बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए
भी देखे गए, जहाँ पर इन्होंने अपने सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और इन दृश्यों के साथ बहुत बेहतरीन रिस्पांस के साथ लाई गई, जहाँ पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के लिए देखा गया था और इन्होंने देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिए गए थे, जो इनके सहयोगों के बारे में बात करते हैं और बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पांस दे देते हैं, जो अपनी योजनाओं के तहत बताया गया और इन्होंने अपनी भूमिकाओं और श्रृंखलाओं को जोड़ी बनाए रखने के लिए देखी गई। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इन्होंने अपने सहयोगों के साथ देखी गई और इनके साथ देखकर जारी कर दिया गया, जहां से इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इस मूवी की रिस्पांस रेटिंग देखकर काफ़ी अच्छा न रहा था, जहां से अपने सहयोगों के बारे में बात करते गए और बताकर काफ़ी बेहतरीन रेटिंगों के आयोजितों के साथ लाया गया और इन सहयोग तिथियों के बारे में बहुत अच्छे आयोजित रही थी, जहां से अपने बारे में बहुत बेहतरीन रिस्पांस दे दिया गया और इनके सहयोगों के बारे में काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस लिया गया और अपने दृश्यों के साथ जानदार और शानदार रिस्पांस के लिए बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को अच्छे रिस्पांसों के लिए जारी कर दिया गया, जहां पर अपने कल्पनांकों के बारे में बात करते हैं और इसे बताकर बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे देते हैं। मूवी शानदार रही थी और इसे शानदार रिस्पांसों के लिए जोड़े भी गए थे, जहां से अपने रूपों के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पांस दी गई तथा इन तथ्यों को जोड़ी बनाने के लिए अपने सहयोगों के बारे में बात करती गई और इसे बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पांस रेटिंग के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था और अच्छी योजनाओं के तहत देखे गए थे, जहां से इन्होंने अपने रूपों के बारे में बात करता गया और इनके दृश्य तथ्यों को ले जाकर अपने सहयोग के बारे में जारी कर दिया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इनके रिपोर्टों के जरिए जारी देखे गए थे, जहां से अपने आयोजितों ने अपनी भूमिकाओं के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इन अच्छी योजनाओं के तहत देखी भी गई थी। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी और वही जहां पर जवान मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस के साथ देखे गए और इनकी भूमिकाओं के जरिए लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ प्रकाशित कर दिया गया, जब इनके रेटिंगों के साथ देखी गई और इन्होंने अपने आप के लिए लाकर बहुत अच्छा रिस्पांस दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार तथ्यों को जोड़ी के साथ देखे गए, जहां से अपनी आयोजित रूपों के बारे में बात करते गए और बताकर प्रकाशित कर दिया गया और इन समीक्षाओं के लिए अपने आप के साथ दृश्य तथ्यों को जोड़ी बनाने के लिए काफ़ी बेहतरीन शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार रूपों के बारे में देखा गया और अपने आयोजित रूप में लाई गई, जहां पर अपने साथी के साथ प्रकाशन सहयोग के बारे में बात करती गई और इनके जरिए बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने सहयोग के जरिए जारी कर दिया गया और इनके रेटिंगों के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया गया था, जहां पर अपनी रेटिंगों के लिए लाई गई है, जहां से इनके प्रकाशन के बारे में बात करते गए और इन प्रकाशन समीक्षाओं के लिए देखी गई थी और अपने तथ्यों के बारे में बात को ले जाकर बहुत बेहतरीन रिस्पांस दे दिया गया, जो इनके सहयोग के बारे में बात करते गए और इन्होंने अपनी रिपोर्टों के साथ
देखकर प्रकाशित रही थी, जहां से अपने आपके सहयोग के बारे में बताया गया और इन्होंने अपने ही तथ्यों के लिए ले जाकर उजागर कर दिया गया। मूवी बहुत बेहतरीन शानदार थी और इस मूवी को शानदार रिस्पॉन्स के लिए लाया गया था और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में बात भी कर दिया, जहां से अपनी रिस्पॉन्स रेटिंग देखी गई थी और इनके प्रकाशन के साथ बहुत अच्छा रूपों के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा और इन बेहतरीन दृश्यों को उजागर कर दिया गया और इनके सहयोगों के बारे में बताया भी गया। वहीं से इस मूवी की बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रही थी और इस मूवी को शानदार सहयोगों को जोड़ी बनाने के लिए अपने प्रकाशन के साथ दिखाया गया तथा इस प्रकाशन में अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छा रहा जो इनके रेटिंगों के लिए लाई गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बताया गया और इनके साथ देखकर प्रकाशित भी कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को लाई जाएगी, जहां पर अपने सहयोगों के बारे में बात करते हुए बताकर इन दृश्य तथ्यों को उजागर कर दिया गया और इस मूवी की बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग के साथ देखी गई और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में लाया जाएगा, जहां पर अपनी कथनाओं को उजागर कर देते हैं और इनके सहयोगों के साथ बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और इसे अच्छी योजना के तहत ही दिखाया गया, जहां पर अपने आप की योजना के लिए ला करके देखकर घोषित कर देती है और इन घोषणाओं को जोड़े के साथ बनाए रखने के लिए लाया जाएगा, जो अपने आप की योजना के साथ बात करते हैं और इन्हें बताते हुए दिखाए भी जाते हैं। मूवी अपने सहयोग तिथियों के बारे में देखी गई थी और इन तथ्यों को ला करके घोषित कर दिया गया और अपने आप की योजना के बारे में जारी भी कर दिया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इसे बेहतरीन रूपों के बारे में देखकर बहुत अच्छा रेटिंग प्रकाशित कर दिया गया और इन प्रकाशनों ने अपने आपके सहयोगों को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी रही और इस मूवी की अच्छी योजना के साथ देखे गया और इनके कथनांक के जरिए जारी भी कर दिया गया। वहीं से इस मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया था और इस मूवी की अच्छी सहयोग के साथ लाई जाएगी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए देखकर प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रही थी, जहां पर अपने सहयोगों के बारे में देखी गई और इनके आयोजित कथनांक के जरिए अच्छे रिस्पॉन्स के लिए लाकर अपने आप की योजना को बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया और इस मूवी को आयोजितों द्वारा सहयोगों के बारे में बात कर दिया गया था और इस मूवी के अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ बनाए रखने के लिए सहयोग तिथियों को काफ़ी अच्छा रेटिंग दे देते हैं, जो इनके घोषित रूप के साथ बात करते हैं और इनके रूपों के लिए लाए गए समीक्षाओं के लिए बात भी किया गया है, जहां से इस मूवी की बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे देते हैं और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में बात करते हुए दिखाया गया और इन रिपोर्टों के माने तो मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को बेहतरीन योजना के साथ लाए जाते हैं, जो इनके बारे में बात करती गई और इनके रेटिंग के साथ आयोजित और घोषित में दिखाया गया और अपनी अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बहुत ज़्यादा
शानदार रिस्पॉन्स रहा था। वहीं पर अपनी आयोजित रूपों के जरिए बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रही, जो इनके रिपोर्टों को बहुत अच्छे श्रृंखलाओं को जोड़ी के साथ एक अच्छा रेटिंगों के बारे में देखा गया था। वहीं से इस मूवी की योजना बहुत ज़्यादा शानदार योजना में बदल गई थी और इस मूवी की योजना तारीखों के साथ देखे गए, जहां से इनके बताई गई कथनांक बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स के साथ देखे गए। और इन्होंने अपनी तथ्यों के बारे में बात करते गए, जहां पर इन तथ्यों को उजागर भी किया था और इस मूवी की उजागर तिथि को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जहां पर अपने आप की योजना को ले जाकर अपनी सहयोगों के बारे में बात को दिखाया था और दिखाकर बहुत बेहतरीन प्रकाशन को जोड़ा गया। वहीं से इन रिपोर्टों के बारे में लाई गई भूमिकाओं के साथ दिखाया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स घोटाला के साथ देखे गए, जहां पर संगीत रूपों में अपने साथ अरुआ रविचंद्र द्वारा रचा गया, जो शाहरुख खान और इटली के साथ काम करती। यह फिल्म बॉलीवुड के एकल संगीतकार के लिए काम करते और उनकी शुरुआत होगी, जो डेविस के गीतों की जर्सी की पृष्ठभूमिकाओं के लिए स्कोर की रचना के लिए आती गई। रहमान द्वारा कथित तौर पर निर्देशित एटिलास की शुरुआत रहमान द्वारा कथित निर्देशन के साथ फिल्म ने संगीत देने के लिए संपर्क में किया था। बाद में रहने के अज्ञात कारणों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और अरुआ रविचंद्र ने संगीत को देने के लिए चुना गया, जहां पर संगीत अधिकार ने टी सीरीज के लिए 34 करोड़ के मुद्दे को हासिल किया और एल्बम जारी को कर दिया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ संदिग्ध रूप में देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और इनकी दृश्य तिथि को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखे गए थे, जहाँ पर अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते हैं और इसे समीक्षाओं बलों द्वारा बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर लाया भी जाता है। मूवी 3 जून 2022 को अपने रिवीजन के साथ लाया गया, जहां पर अपने क्रिमिनल दृष्टि के साथ जवान को काफ़ी। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जवान फिल्म के बारे में, जो एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी भाषा के साथ मूवी आई थी और यह मूवी 2023 में भारतीय हिंदी सिनेमा पर रिलीज किया गया था, जिसमें एटिलास द्वारा हिंदी भाषा और पहली फिल्म के साथ मेसिन द्वारा लिखित और निर्देशित किया और यह रेड रिलीज इंटरटेनमेंट के तहत गौरी खन्ना और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित कर दिया गया, जिसमें शाहरुख खान पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में देखे गए और समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति और प्रियमणि और अनन्या मल्होत्रा सहायक भूमिका में देखे गए। निर्देशन एटिलिया और इसका पाठकथा का लेखक भी एस रामगिरी निवास और संपादक सुमित अरोरा है। वहीं पर कहानी एटली द्वारा दिया गया और इनका उत्पादन गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा देखी गई। अभिनेता शाहरुख खान और नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति, छायाकांत, जी के विष्णु और संपादित रूबेन द्वारा देखी गई। संगीत को अनिरुद्धम रविचंद्र द्वारा दिया गया और इसका मूवी उत्पादन कंपनी रेड रिलीज इंटरटेनमेंट रही थी, जहां से इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया था और इनके सहयोग के बारे में जारी करके प्रकाशित भी कर दिया गया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के साथ देखे गए, जहां पर इनकी श्रृंखला देखी गई। वहीं पर मूवी को 7 सितंबर 2023 में रिलीज कर दिया गया और मूवी की रन टाइम 169 मिनट थी। मूवी भारत में हिंदी भाषा के साथ लॉन्च किया गया था और मूवी की लागत बजट करीब 370 करोड़ थी। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 11.48.72 करोड़ का कलेक्शन करके मुख्य फोटोग्राफी की शुरुआत 2021 के पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान, औरंगाबाद फिल्मांकन के साथ हुई थी। फिल्म साउथ
बैलग्राउंड स्कोर अरु अनिल रुद्रन और रविचंद्र द्वारा तैयार किया गया, जहां पर सिनेमेटिक ग्राफिक विष्णु के साथ देखी गई थी और इन्होंने इन दृश्यों के साथ फिर से शूट किया गया, जहां पर विशेष रूप के गाने को जिंदाबाद तमिल में वधा एंडर्स में खान की उपस्थिति के लिए सेतुपति के हिस्से और योगी बाबू के दृश्यों के साथ देखी गई। जवान को पहले 2 जून 2023 को रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पोस्टर प्रोडक्शन का काम अधूरा होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, जो इसे 7 सितंबर 2023 को मानक आईमैक्स 4D एंड अन्य प्रीमियम प्रारूपों को जन्माष्टमी के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसके अलावा के प्रदर्शन पाठ तथा लेखकों को एक्शन दृश्यों के साथ संगीत स्कोर पर सांसा की फिल्म द्वारा जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया गया था, वहीं से इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी की योजना के साथ देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने रिपोर्टों के जरिए लाई गई भूमिकाओं के साथ देखे गए थे, जहां पर इन श्रृंखलाओं को हिंदी फिल्म और 5वीं में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी, जहां पर 69वें फिल्मेयर पुरस्कार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशन सहित 14 नामांकन प्राप्त किया। आज़ाद के साथ लाए गए, जहां पर मुंबई की महिला जेल का जेलर और 6 कैदियों को लक्ष्मी राज इस्तिकार और काबिल हेलना और जानवी ए समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन पर हाईजैक कर लेता है, जो यात्रियों को बंधक बना लेता है और आज़ाद बताने के लिए कैसे काल्पिक के किसान पिता के ने दर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। आज़ाद ने कृषि मंत्री के बंधकों को बदले में 400 करोड़ रुपए भेजने के लिए NCC अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की और वैश्विक हथियार डीलर और काली गायवाड़ा को पता चला कि उनकी बेटी आलिया बंदियों में से एक है और वह सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाता है। आज़ाद ने उस पैसे को देश के लिए लगभग 7 लाख गरीब किसानों को ऋण माफ़ करने के लिए दान करने की योजना बनाई गई थी। आज़ाद उसका गिरोह किसान बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरण करने में भाग जाते हैं और आलिया के माध्यम से उसे काली के अपना विक्रम राठौड़ बताते हैं। आज़ाद की मुलाकात नर्मदा और उसकी छोटी बेटी सुचीत के साथ होती है और उनकी शादी हो जाती है। आज़ाद ने उनके लिए स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में सरकारी अस्पताल को बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग की और बुनियादी ढांचे को तुरंत उन्नति किया जाता है, जहाँ पर आज़ाद द्वारा उसका गिरोह फिर से भाग जाते हैं और अपनी शादी के बाद नर्मदा को आज़ाद की असली पहचान का पता चलता है और काली का भाई मनीष जोड़े को पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करता है, जहां पर आज़ाद ने उसके हम शक्ल को विक्रम राठौड़ ने बचाया। जेल में नर्मदा खुद को एक कैदी का भेष बनाकर आज़ाद के साथियों से भिड़ती है, वहां उसे आज़ाद और विक्रम के रिश्ते के बारे में पता चलता है। वहीं पर 1986 में कैप्टन विक्रम राठौड़, जो भारतीय सेना के स्पेशलिस्ट ऑपरेशन यूनाइटेड कमांडर थे, उन्होंने एक ऑपरेशन पर भेजा गया था जिसमें उनकी टीम को खराब हथियारों के कारण हताहतों का सामना करना पड़ा और विक्रम और उनकी टीम के एक युवा काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो उस समय हथियारों की आपूर्ति करता था। उसी रात केली ने विक्रम राठौड़ और उसकी पत्नी को ऐश्वर्या पर हमला किया, जो उन्हें अलग कर दिया था, जहां पर पैरो रोली के 3 पुलिसकर्मी को हथियार के साथ जेल की सजा सुनाई गई, जहां पर उसे धमकी दे रहे थे। विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित किया गया और ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे को आज़ाद को जन्म दिया। जब आज़ाद 5 साल का हो गया तो ऐश्वर्या ने उन्हें भी फांसी चढ़ाने से पहले अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। दुनिया के लिए अज्ञात विक्रम हमले से
बच गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। उसे पूर्वोत्तर भारत में एक आदिवासी समूह में पाया और बचाया। वर्तमान में नर्मदा के अधीन स्थल ईरानी केरल केली के पेरोल पर होने का पता चलता है, जहां पर उन सभी को गोली मारने की कोशिश करता है। गोलीबारी में लक्ष्मण की मौत हो गई। आज़ाद को ईरानी को मार डाला और काली के ट्रेन चुरा लिया, जिसमें उसके पिता, उसकी टीम और उसके पिता के दोस्ती के साथ शामिल थे, जहां पर ट्रैकों में आगामी चुनाव के लिए पैसे जिनका उपयोग किया लिए राजनीतिक महाकांक्षी के साथ बढ़ा देने के लिए किया जाएगा। जो विक्रम के साथ उसकी टीमों को काली के गुंगेरों के लिए पकड़ा गया और आज़ाद ने जनता के एक वीडियो जारी किया और कहा कि वोटिंग मशीन चुरा ली, वह वायु जल प्रदूषण के जिम्मेवार हैं और उसे 253 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग करते हैं, जहां पर सरकार फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और केली को अंत विक्रम द्वारा अंत यादाश के वापस पा लेता है और वहां पर आज़ाद को लड़ते और काली को फांसी लटका देते हैं, जहां पर कुछ ही महीनों बाद एसटीएफ की अधिकारी माधव ने आइन की आज़ादी को उनके मिशन को पूरा करने में मदद करता और स्विच बैंकों को लक्षित करने के लिए न्याय मशीन सौंपा गया। दोहरी भूमिका में शाहरुख खान और कैप्टन विक्रम राठौड़ के पूर्व कमांडर आज़ाद एक महिला जेल का जेलर है जो विक्रम का बेटा और नयनतारा नर्मदा राय के फोर्स वन की प्रमुखता विजय सेतुपति के हथियार डीलर काली गायकवाड़ के रूप में विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या राठौड़ के रूप में दीपिका पादुकोण विशेष रूप से देखी गई है और प्रियलक्षणी के रूप में डॉक्टर ईरानी के लिए नायब मल्होत्रा ईरानी सुनील गावस्कर के साथ काली की मां के रूप में स्मिता तांबे और काली के पिता के रूप में औरंका मणिपुरम है। बताया जाता है कि ओमकार दास मणिपुरम जो 5 अगस्त 1977 को इनका जन्म हुआ, जहां पर निर्णायक रूप में देखे गए, वहीं पर अक्टूबर 2019 में शाहरुख खन्ना की 0 2018 के साथ घोषित कर दिया गया और इन घोषणाओं के जरिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देखा गया तथा इन्होंने अपने सहयोग के साथ लाई गई थी और इन श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इनके रिपोर्टों के साथ लाए गए और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के जरिए बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर प्रकाशित कर दी गई थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इस मूवी को शानदार दृश्यों के जोड़े के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे रिपोर्टों द्वारा जारी करके लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई, जहां पर इन्होंने अपने सहयोग के साथ लाया जाता है जो इनके सहयोग तिथियों के बारे में बात करके घोषित कर दिया गया था और इन घोषणाओं के रोहेल रूप से जारी समीक्षाओं के बारे में बताया गया तथा इन रिपोर्टों को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे दी और इस मूवी की बहुत बेहतरीन समीक्षाओं के लिए लाया गया, जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में कही गई थी और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में लाया गया और अपनी दृश्य तिथियों को जारी करके प्रकाशित रूपों के साथ लाया जाएगा, जहां पर अपने बारे में बात करते हैं और इन्होंने अपनी सहयोग के लिए ला करके प्रकाशित दृश्यों को बताया जाएगा जो इन सहयोग के साथ देखी गई, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षा बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दिया गया, जहां पर अपने आप की योजनाओं को लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा और इस मूवी को शानदार रूपों के जरिए बात करते गए और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों को ले जाकर अपनी समीक्षाओं के जरिए बात करते हैं और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे देते हैं। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इन शानदार समीक्षाओं के जोड़े के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर काफ़ी अच्छे
आयोजितों द्वारा लाया गया और इन श्रृंखलाओं के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छे से घोषित कर दिया गया था और इन घोषणाओं को जोड़े के बारे में आयोजित करके लाया जाएगा, जहां से आप बहुत अच्छा रिपोर्ट के लिए देखी गई और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर देते हैं। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन दृश्यों के जरिए जारी और अच्छे रिस्पॉन्स के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में जारी करके प्रकाशित रूप के साथ दिखाया गया था और इस मूवी को बहुत बेहतरीन सहयोगों के बारे में जारी भी कर दिया। मूवी अपने योजना के साथ बात करती है और बता कर लाए जाते हैं, जहां पर अपने सहयोगों घोषणाओं के लिए लॉकडाउन में इटली के साथ खोरी खान के लिए रेड रिलीज पर जारी जूम कॉल को बताया। फिल्म जल्द ही शुरू होगी और फिल्म का निर्माण रूप से जारी कर दिया गया और इन्होंने अपने आप की योजनाओं के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपने दृश्यों के जरिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी अपने समीक्षाओं के जरिए लाए जाते हैं और इन तथ्यों के साथ देखकर बहुत बेहतरीन रेटिंग के साथ ला करके बहुत अच्छा रूप प्रदान कर दिया था और इन्होंने अपने प्रकाशित समीक्षाओं के बारे में बहुत अच्छे से देखे गए, जहां पर खप्पा पट्टी ने सुनील रेडियस स्टेट निर्देशन रूप में काम पर रखा गया, जो नृत्य कोरियोग्राफर को मर्चेंट सोवी के ललित द्वारा शामिल और मुकेश के गाभियान कास्टिंग को डायरेक्ट में बताया गया और खाना पिता के पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका में निभाई गई, जो 6 अलग अलग लुक में नजर आएगी। नयनतारा के साथ खान के लिए मुख्य अभिनेत्री की अंतिम रूप दिया गया और इस तरह से उनकी सिनेमा को पहली फिल्म प्रियमणि के सुनील गवाकर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू के बाद कलाकारों ने शामिल के दशक के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिर बार चेन्नई के एक्सप्रेस के साथ अभिनय कर दिया गया और इन्होंने अपने आप के लिए बताई गई भूमिकाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखे गए थे, जहां पर अपनी शुरुआती उपस्थिति शूटिंग कलाकार के लिए विजय के साथ इटली के साथ केमियों के लिए देखी गई और सिनेमा एक्सप्रेस को ले जाकर प्रकाशित भी कर दिया। वहीं पर प्रिंसिपल फोटोग्राफी के साथ 2021 के पुणे जवान के कुछ दृश्यों को 30 अगस्त को लाया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को बहुत बेहतरीन समीक्षाओं के साथ देखी गई और अपने तथ्यों को जोड़ी बनाकर अपने सहयोगों के बारे में बात करते हैं और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ लाया गया। वहीं पर अपनी दृश्य काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को शानदार रूपों के बारे में जारी करके प्रकाशित कर दिया गया और उनके प्रकाशन के जोड़ों के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए आयोजित करके बात कर दिया और इन रिपोर्टों के साथ घोषित भी कर दिया गया। वहीं पर अपनी समीक्षाओं को देखा जाएगा, जहां से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर देता है और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ लाए भी जाते हैं। मूवी अपने तिथियों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपने सहयोग के बारे में जारी और अच्छे रिपोर्टों के साथ घोषित कर दिया गया, जहां से अपने सहयोग के लिए लाया गया और इन तथ्यों के जोड़े के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इसे शानदार रिस्पॉन्स के लिए देखे गए थे और इन्होंने अपने आप के लिए लाया गया और इन्हें प्रकाशित भी कर दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इसे शानदार समीक्षाओं को जोड़ी बनाकर अपने प्रकाशित रूपों के साथ देखी गई और इनके दृश्य श्रृंखलाओं को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था और इस मूवी को
काफ़ी अच्छे सहयोग के लिए ला करके प्रकाशित कर देती है। और इन्होंने अपने आप के लिए लाए गए जहाँ से अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते गए और इनके रेटिंगों को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया। मूवी ज़्यादा शानदार रही और इस मूवी को शानदार रिपोर्टों के साथ देखे गए थे जहाँ से अपने ग्रामीण तथ्यों के बारे में जारी करके उजागर कर दिया गया। और इनके पहले खान के साथ जून में अपनी शादी के बाद इसे 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल के लिए देखा गया, जहां पर इस शेड्यूल के दौरान पारिवारिक दृश्यों के जरिए जारी कर देते हैं और इनके साथ प्रकाशित कर देते हैं। मूवी चेन्नई में शुरुआत जहां दीपिका पादुकोण ने अपने कैमियो के हिस्से के लिए शूट कर देते हैं, जहाँ से अपने आप की योजना के बारे में बताया गया और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स राजस्थान में आयोजित अगले खान को नयनतारा के 20 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हो गए। वहीं पर अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में आयोजित रूप से जहां पर खान का पीछा करने की शूटिंग के बारे में बात करते हैं और इनके दृश्यों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देता है। वहीं पर इन्होंने अपने सहयोग तिथियों के बारे में लाई गई समीक्षाओं के जरिए बताया गया और इनके दृश्यों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इनके शानदार सहयोगों के बारे में जाते गए और इनके साथ बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर आयोजित रही थी, जहां से अपने सहयोगों के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार सहयोगों के जरिए लाया गया और अपनी दृश्यों के जरिए देखकर प्रकाशित कर देती है। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को शानदार रिस्पॉन्सों के लिए लाया गया था, जहाँ पर अपनी सहयोग तिथियों के में बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देती है। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्सों को बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया जाएगा, जो इनके सहयोगों के बारे में बात कर देते हैं, जहां पर अपनी दृश्यों के साथ लाई गई और इन समीक्षाओं को जोड़ी बनाकर अपने आप की योजना के साथ देखे गए, जो इनके दृश्य तिथियों के साथ लाई जाएगी, जहां पर अपने सहयोग तिथि के साथ बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था और इस मूवी को बहुत अच्छे रिपोर्ट के लिए लाए भी गए, जहां पर अपनी दृश्य तिथि को बहुत अच्छा रहा था। मूवी अपने सहयोग के बारे में बात करती गई और इन के साथ दिखाकर बहुत अच्छा रहा। मूवी अपने रिपोर्टों के जरिए गया और इन रिपोर्टों को बहुत अच्छे से प्रकाशित श्रृंखलाओं को देखा भी गया, वहीं पर इसी के साथ देखे गए थे और इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया गया, जहां पर लिंक दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रमुख भूमिका में देखी गई और इसके सहयोग और तथ्यों को जारी कर दिया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार थी और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्स के जरिए देखी गई थी, जहां पर इन सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और अभिनय मर्चेंट द्वारा अपनी सहयोग तिथि को फिल्म बजट के साथ मुकाबले प्रोड्यूस्ड कर दिए गए। मूवी 2023 में रिलीज कर दिया गया और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स भी दिया गया, जहां पर इस मूवी को बहुत ही अच्छे रेटिंगों और समीक्षाओं के जरिए काफ़ी बेहतरीन दृश्यों के साथ प्रकाशित कर दी गई और यह अच्छा फिल्म के साथ महिलाओं को चली गई, जहां पर अपने आप की योजना को ले जाकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देती है और इस मूवी को अच्छे समीक्षाओं के साथ लाई गई, जहां पर अपनी भूमिका पर्यवेक्षकों ने अपने आप की दृश्यों के साथ अपनी अपनी समीक्षाओं के लिए लाया करके प्रकाशित कर दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार योजना के साथ देखे गए और तथ्यों को
ले जाकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और शानदार समीक्षाओं को जोड़े बनाने के लिए अपने आप के लिए चिलर ऑफ द विंस के साथ देखा गया और इनके सहयोगों ने अपने आप की दृश्यों और तथ्यों को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दे दिया था। मूवी अपने आयोजितों द्वारा लाई गई, जहां से इनके प्रकाशन के जोड़े के बारे में बात करते हैं और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे देते हैं, जहां से इस मूवी को अच्छी योजना के तहत लाया गया और इन भूमिकाओं को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिए गए थे और इनकी समीक्षाओं के जरिए बताया भी गया था। वहीं पर जवान मूवी एक बहुत ज़्यादा शानदार मूवी है और इस मूवी को शानदार दृश्यों के साथ देखे गए हैं, जो इनके रूपों के बारे में बात करते हैं और इन रूपों के साथ जवान मूवी 2023 की एक बॉलीवुड सुपर हिट मूवी थी, जहां पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और इस मूवी की भूमिकाओं को लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दिया गया था। जहां से अपने आप की योजना के बारे में बात करते गए और बताते गए थे और इनके रेटिंगों के साथ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेटिंग भी दिया गया। मूवी ने अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स को रंग भरने की शुरुआती में लाया गया और नयनतारा के किरदार दीप वेंकट के साथ तमिल तेलुगु संस्करण को नयनतारा के लिए डब और रवीना के साथ फिल्म में तमिल में तेलुगु में संस्करण के उत्पादन के साथ देखे गए थे, जो इनके सहयोगों के बारे के विषय को लाया गया। शाहरुख खान के मुताबिक फिल्म के विषय महिला शक्तिकरण के साथ दिखाया गया और टेलीग्राफर के अग्नि योगी ने अपने तर्क में जवाबी कार्रवाई के साथ लाया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार है और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के लिए लाया गया तथा इनके दृश्य के साथ बात करते हैं और इन्हें बताकर लाया जाएगा, जहां पर अपनी दृश्यों के साथ देखी गई, जो इनके सहयोग तिथियों के बारे में बात करते गए और अपनी आपकी योजनाओं के लिए लाया जाएगा, जो अपने दृश्यों के बारे में देखी गई और इन्होंने अपनी सहयोग के साथ लाया जाएगा और इन्होंने अपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया, जो इस मूवी को लाई जाएगी और इनके सहयोग तिथियों के साथ कपिल खान के निर्माण के बारे में जीवन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए प्रेरित प्रदर्शन को गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर कपिल खन्ना का किरदार निभाया, जो प्रेरणा का काम करता है और डॉक्टर खान के साथ 2017 के गोपुरम द्वारा अस्पताल के मूर्तियों द्वारा उन्हें व्यापार में जाने के लिए अनजाने के साथ देखी गई थी, जहां पर इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखे गए, जहां पर अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात कर दिया गया और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। वहीं पर इस मूवी की अच्छी योजनाओं के तहत विक्रम राठौड़ के काली गायकवाड़ पर आधारित बनी यह मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही है और इस मूवी को विस्फोट बोफर्स घोटाला के लिए प्रेरितों के साथ भारतीय सेना में एक राजनीतिक वित्त विवाद के साथ घोटाला हथियार था, जिसमें भारतीय राजनीतिक रक्षा खरीदार महत्वपूर्ण प्रभाव डालता और फिल्म दृष्टि भ्रष्टाचार राजनीतिक साजिश पर दंडित स्थिति को दिखाया गया है और इसी के साथ जवान मूवी बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए भी देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और इन दृश्यों के साथ बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ लाई गई, जहां पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के लिए देखा गया था और इन्होंने देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इनके सहयोगों के बारे में बात करते हैं और बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे देते हैं, जो अपनी योजनाओं के तहत बताया गया और इन्होंने अपनी भूमिकाओं और श्रृंखलाओं को जोड़ी बनाए रखने के लिए देखी गई। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और इन्होंने अपने सहयोगों के साथ देखी गई और इनके साथ
देखकर जारी कर दिया गया, जहां से इस मूवी को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया और इस मूवी की रिस्पॉन्स रेटिंग देखकर काफ़ी अच्छा न रहा था, जहां से अपने सहयोगों के बारे में बात करते गए और बताकर काफ़ी बेहतरीन रेटिंगों के आयोजितों के साथ लाया गया और इन सहयोग तिथियों के बारे में बहुत अच्छे आयोजित रही थी, जहां से अपने बारे में बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया और उनके सहयोगों के बारे में काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स लिया गया और अपने दृश्यों के साथ जानदार और शानदार रिस्पॉन्स के लिए बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को अच्छे रिस्पॉन्सों के लिए जारी कर दिया गया, जहां पर अपने कल्पनांकों के बारे में बात करते हैं और इसे बताकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। मूवी शानदार रही थी और इसे शानदार रिस्पॉन्सों के लिए जोड़े भी गए थे, जहां से अपने रूपों के बारे में बात करते गए और इन्हें बताकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दी गई तथा इन तथ्यों को जोड़ी बनाने के लिए अपने सहयोगों के बारे में बात करती गई और इसे बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रेटिंग के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था और अच्छी योजनाओं के तहत देखे गए थे, जहां से इन्होंने अपने रूपों के बारे में बात करता गया और इनके दृश्य तथ्यों को ले जाकर अपनी सहयोग के बारे में जारी कर दिया गया। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार रही और इनके रिपोर्टों के जरिए जारी देखे गए थे, जहां से अपने आयोजितों ने अपनी भूमिकाओं के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इन अच्छी योजनाओं के तहत देखी भी गई थी। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी और रही, जहां पर जवान मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ देखे गए और इनकी भूमिकाओं के जरिए लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ प्रकाशित कर दिया गया, जब इनके रेटिंगों के साथ देखी गई और इन्होंने अपने आप के लिए लाकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार तथ्यों को जोड़ी के साथ देखे गए, जहां से अपनी आयोजित रूपों के बारे में बात करते गए और बताकर प्रकाशित कर दिया गया और इन समीक्षाओं के लिए अपने आप के साथ दृश्य तथ्यों को जोड़ी बनाने के लिए काफ़ी बेहतरीन शानदार रही थी और इस मूवी को शानदार रूपों के बारे में देखा गया और अपने आयोजित रूप में लाई गई, जहां पर अपने साथी के साथ प्रकाशन सहयोग के बारे में बात करती गई और इनके जरिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने सहयोग के जरिए जारी कर दिया गया और इनके रेटिंगों के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया गया था, जहां पर अपनी रेटिंगों के लिए लाई गई है, जहां से इनके प्रकाशन के बारे में बात करते गए और इन प्रकाशन समीक्षाओं के लिए देखी गई थी और अपने तथ्यों के बारे में बात को ले जाकर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया गया, जो इनके सहयोग के बारे में बात करते गए और इन्होंने अपनी रिपोर्टों के साथ देखकर प्रकाशित रही थी, जहां से अपने आपके सहयोग के बारे में बताया गया और इन्होंने अपने तथ्यों के लिए ले जाकर उजागर कर दिया गया। मूवी बहुत बेहतरीन शानदार थी और इस मूवी को शानदार रिस्पॉन्स के लिए लाया गया था और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में बात भी कर दिया, जहां से अपनी रिस्पॉन्स रेटिंग देखी गई थी और इनके प्रकाशन के साथ बहुत अच्छा रूपों के साथ बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा और इन बेहतरीन दृश्यों को
उजागर कर दिया गया और इनके सहयोगों के बारे में बताया भी गया। वहीं से इस मूवी की बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रही थी और इस मूवी को शानदार सहयोगों को जोड़ी बनाने के लिए अपने प्रकाशन के साथ दिखाया गया तथा इस प्रकाशन में अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छा रहा जो इनके रेटिंगों के लिए लाई गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को बताया गया और इनके साथ देखकर प्रकाशित भी कर दिया गया था। वहीं पर इस मूवी को लाई जाएगी जहां पर अपने सहयोगों के बारे में बात करते हुए बताकर इन दृश्य तथ्यों को उजागर कर दिया गया और इस मूवी की बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग के साथ देखी गई और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में लाया जाएगा जहां पर अपनी कथनाओं को उजागर कर देते हैं और इनके सहयोगों के साथ बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स भी दे देते हैं। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और इसे अच्छी योजना के तहत ही दिखाया गया जहां पर अपने आप की योजना के लिए ला करके देखकर घोषित कर देती है और इन घोषणाओं को जोड़े के साथ बनाए रखने के लिए लाया जाएगा जो अपने आप की योजना के साथ बात करते हैं और इन्हें बताते हुए दिखाए भी जाते हैं। मूवी अपने सहयोग तिथियों के बारे में देखी गई थी और इन तथ्यों को ला करके घोषित कर दिया गया और अपने आप की योजना के बारे में जारी भी कर दिया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इसे बेहतरीन रूपों के बारे में देखकर बहुत अच्छा रेटिंग प्रकाशित कर दिया गया और इन प्रकाशनों ने अपने आप के सहयोगों को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी रही और इस मूवी की अच्छी योजना के साथ देखे गया और इनके कथनांक के जरिए जारी भी कर दिया गया। वहीं से इस मूवी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया था और इस मूवी की अच्छी सहयोग के साथ लाई जाएगी और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए देखकर प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया था और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार रही थी जहां पर अपने सहयोगों के बारे में देखी गई और इनके आयोजित कथनांक के जरिए अच्छे रिस्पॉन्स के लिए लाकर अपने आप की योजना को बनाए रखने के लिए बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया और इस मूवी को आयोजितों द्वारा सहयोगों के बारे में बात कर दिया गया था और इस मूवी के अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ बनाए रखने के लिए सहयोग तिथियों को काफ़ी अच्छा रेटिंग दे देते हैं जो इनके घोषित रूप के साथ बात करते हैं और इनके रूपों के लिए लाए गए समीक्षाओं के लिए बात भी किया गया है जहां से इस मूवी की बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स दे देते हैं और इन्होंने अपने सहयोगों के बारे में बात करते हुए दिखाया गया और इन रिपोर्टों के माने तो मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को बेहतरीन योजना के साथ लाए जाते हैं जो इनके बारे में बात करती गई और इनके रेटिंग के साथ आयोजित और घोषित में दिखाया गया और अपनी अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बहुत ज़्यादा शानदार रिस्पॉन्स रहा था। वहीं पर अपनी आयोजित रूपों के जरिए बनाए रखने के लिए काफ़ी बेहतरीन रही जो इनके रिपोर्टों को बहुत अच्छे श्रृंखलाओं को जोड़ी के साथ एक अच्छा रेटिंगों के बारे में देखा गया था। वहीं से इस मूवी की योजना बहुत ज़्यादा शानदार योजना में बदल गई थी और इस मूवी की योजना तारीखों के साथ देखे गए जहां से इनके बताई गई कथनांक बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बहुत ज़्यादा शानदार
रिस्पॉन्स के साथ देखे गए और इन्होंने अपनी तथ्यों के बारे में बात करते गए, जहां पर इन तथ्यों को उजागर भी किया था और इस मूवी की उजागर तिथि को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया, जहां पर अपने आप की योजना को ले जाकर अपनी सहयोगों के बारे में बात को दिखाया था और दिखाकर बहुत बेहतरीन प्रकाशन को जोड़ा गया। वहीं से इन रिपोर्टों के बारे में लाई गई भूमिकाओं के साथ दिखाया गया था। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स घोटाला के साथ देखे गए, जहां पर संगीत रूपों में अपने साथ अरुआ रविचंद्र द्वारा रचा गया, जो शाहरुख खान और इटली के साथ काम करती। यह फिल्म बॉलीवुड के एकल संगीतकार के लिए काम करते और उनकी शुरुआत होगी, जो डेविस के गीतों की जर्सी की पृष्ठभूमिकाओं के लिए स्कोर की रचना के लिए आपी गई। रहमान द्वारा कथित तौर पर निर्देशित एटिलास की शुरुआत रहमान द्वारा कथित निर्देशन के साथ फिल्म ने संगीत देने के लिए संपर्क में किया था। बाद में रहने के अज्ञात कारणों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और अरुआ रविचंद्र ने संगीत को देने के लिए चुना गया, जहां पर संगीत अधिकार ने टी सीरीज के लिए 34 करोड़ के मुद्दे को हासिल किया और एल्बम जारी को कर दिया। मूवी बहुत बेहतरीन रही और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स के साथ संदिग्ध रूप में देखे गए, जहां पर इन्होंने अपनी सहयोग तिथियों के लिए लाया गया और इनकी दृश्य तिथि को बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे दिया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही और अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखे गए थे, जहाँ पर अपनी सहयोग तिथियों के बारे में बात करते हैं और इसे समीक्षाओं बलों द्वारा बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स देकर लाया भी जाता है। मूवी 3 जून 2022 को अपने रिवीजन के साथ लाया गया, जहां पर अपने कार्मिनल दृष्टि के साथ जवान को काफ़ी